अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त दाने जावेद एक बार फिर हाजिर हूँ आपका हर दिल अजीज़ प्रोग्राम हालात लेकर। इस प्रोग्राम में आज का हमारा मौजू है मुसलमान और तालीम, और इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हैं जनाब जैद खालिद पटेल साहब, इस्लामिक स्पीकर हैं। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ जैद खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं मुनव्वर पीर भाई साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक कोर्ट मेम्बर हैं और हाजी गुलाम मोहम्मद आजम एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। मुनव्वर पीर भाई साहब, आपका इस्तकबाल है, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारे तीसरे और बड़े अहम पैनलिस्ट हैं जनाब डॉक्टर ज़हीर आई काजी साहब। काजी साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, काजी साहब मशहूर प्रैक्टिसिंग रेडियोलॉजिस्ट होने के अलावा मशहूर तालीमी इदारे अंजुमन इस्लाम के सदर भी हैं, और उसके अलावा आपकी तालीमी खिदमात का पूरा महाराष्ट्र लोहा मानता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा मौजू है मुसलमान और तालीम। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे और आम तौर पे तमाम दुनिया में मुसलमानों के तालीमी मसाइल क्या हैं और मुसलमानों की तालीमी हालत क्या है। आइए शुरुआत करते हैं काजी साहब से। जैसा कि आप का ताल्लुक तालीमी मामला से बहुत करीब का है, आप मुंबई यूनिवर्सिटी के सेनेट मेंबर हैं, आप अंजुमन इस्लाम जैसे बड़े तालीमी इदारे के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, तो आप तालीमी मामलात को, खासकर मुसलमानों के तालीमी मामलात को बहुत गहरी नज़र से देखते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का तालीमी स्टेटस क्या है। तालीमी स्टेटस एक तो ये है कि अगर हमें मौका मिलता है तो हमारे बच्चे जो परफॉर्मेंस देते हैं, जैसा हमने अंजुमन इस्लाम में भी देखा, तो वो एक्सेलेंस पे बहुत आगे निकल आते हैं। लेकिन मुश्किल ये है हमारे कि बेसिक एजुकेशन जो है, ख़ास करके रूरल इंडिया में, शहरों में तो मामला ठीक है, एनरोलमेंट रेशो जो होता है प्राइमरी स्कूलों में, वो जो डाइस के डाटा के मुताबिक पॉपुलेशन को आप कंपेयर करें तो उससे 50% कम है। यानी 50% बच्चे जो स्कूल में जाना चाहते हैं उनको दाखिले नहीं मिलते, या तो स्कूल वहाँ मौजूद नहीं है। वो कैसे? आप माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड ब्लॉक्स जो जितने भी हैं कंट्रीज़ में, वहाँ देखिए बड़े मुश्किल से प्राइमरी स्कूल्स वहाँ आपको मिलेंगे, और बहुत दूर दूर तक मिलेंगे, और सेकेंडरी स्कूल्स नहीं के बराबर। तो जो बच्चे प्राइमरी में एजुकेशन हासिल करते हैं, वो सेकेंडरी में जाके वो ड्रॉप आउट हो जाते। तो बेसिक्स ये है कि हमारे यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सहूलतें है ही नहीं, और जितने सरकारी मैनेजमेंट्स होते हैं जो स्कूल बनाना है वगैरह, तो इन एरियाज़ में माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स के अंदर वो नहीं के बराबर है। मिसाल के तौर पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो लड़कियों के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखिए, माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स या ब्लॉक्स में है ही नहीं। गवर्नमेंट के जो प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स है, बड़े मुश्किल से नहीं के बराबर है। तो एक तो गवर्नमेंट रिलेटेड हुआ, और दूसरा नाउम्मीदी मायूसी कुफ्र है। और गुज़िश्ता 15-20 साल में जो हमारे अदारे हैं, एजुकेशन इदारे, जो प्राइवेट इदारे हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। नहीं तो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट उससे भी ख़राब आता। लेकिन जहाँ जहाँ इन लोगों ने काम किए एजुकेशन के अंदर, वहाँ उनके परफॉर्मेंसेज अच्छे रहे। और टेक्निकल एजुकेशन में तो मुसलमानों का कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब, परफॉर्मेंस पे मैं बाद में आता हूँ। आपने अपनी गुफ्तगू में एक बहुत अहम बात कही कि कहीं स्कूल नहीं है, कहीं स्कूल रीच में नहीं है, और कहीं दाखिले नहीं मिलते। ये दाखिले नहीं मिलते को ज़रा डिफाइन करें आप। दाखिले नहीं मिलते यानी जो जहाँ प्राइवेट डोमेन में स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन है जिस तरह से आप देखिए, मिसाल के तौर पर बम्बे जैसे शहर में आपको एक सोसाइटी में फ्लैट लेना हो तो आपको मिलता नहीं है। जैसे सोसाइटी अपने रूल्स बनाते हो, वैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी कहीं ना कहीं बायस है, बायस अप्रोच है। डॉक्टर काजी साहब का कहना है कि बायस अप्रोच है, और उन्होंने मिसाल दी कि बॉम्बे जैसे शहर में हम देखते हैं कि यहाँ सोसाइटीज़ कई बार कई मज़हब या कई स्कूल ऑफ फेथ के जानने और मानने वालों को मकान नहीं दस्तियाब होने देती, उसी तरह स्कूलों में भी ऐसा है। पीर भाई साहब की तरफ आते हैं, आपकी क्या राय है कि डिस्क्रिमिनेशन तालीम और एजुकेशन के मामले में हिंदुस्तान में होता है? इसकी एक बड़ी तारीख है। मैं शुरू करूँगा, महाराष्ट्र में एक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे सर मौलवी रफ़ीउद्दीन, दो मरतबा वो मिनिस्टर रह चुके। इस्माइल यूसुफ कॉलेज का मामला भी उन्हीं के वक्त में हासिल की गई थी वो ज़मीन वगैरह। उनके वक्त में उनकी चेयरमैनशिप में एक कमीशन मुकर्रर हुआ था
जिसमें महाराष्ट्र के मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी की क्या वजूहत है ये मालूम करने के लिए जी ये कमीशन बिठाया गया था, और उसकी जब फाइंडिंग 1915 के करीब वो फाइंडिंग जब आई तो ये नतीजे पे मुस्लिम कौम पहुंची, और जो मालूमात है ना उस कमीशन ने हासिल की कि महाराष्ट्र के रहने वाले मुसलमानों की मादरी जबान मराठी नहीं है बल्कि उर्दू है। अच्छा, और उस रिकमेंडेशन की वजह से आज जो आप महाराष्ट्र में उर्दू स्कूल आप देखते हैं, करीबन 4,000 से 5,000 प्राइमरी और हाई स्कूल उर्दू मीडियम स्कूलें हैं, ये इसी कमीशन की फाइंडिंग का नतीजा है। बड़ी अहम बात आपने कही है पीर भाई साहब कि 4,000 से 5,000 महाराष्ट्र में उर्दू स्कूल है जो उर्दू में पढ़ाते हैं। मेरा सवाल यह है आपसे भी और जैद भाई आपकी तरफ भी आऊँगा इसी सवाल के हवाले से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि हिंदुस्तान में आज उर्दू आवाम की ज़बान पढ़ाई लिखाई की हद तक या नौकरियों और पेशे की हद तक नहीं रह गई है प्रैक्टिकली अगर ग्राउंड रियलिटी पे आए तो ये 4,000-5,000 जो स्कूल हैं ये जो खेप तैयार कर रहे हैं ये खेप कहाँ एडजस्ट होगी? मैं बताता हूँ, पहले तो ये कंसेप्ट जो है कि उर्दू जबान से तालीम हासिल करना यानी उनको रोटी रोजगार से दूर करना ये सही नहीं, क्योंकि आप हिंदुस्तान में 80% जो आबादी है वो अपनी तालीम वर्नाक्युलर में लेती, तेलुगु में लेती, तमिल में लेती, हिंदी में लेती, बंगाली में लेती, और ये सब 11वीं और 12वीं के लेवल के बाद में इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, वकील बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स भी हासिल करते हैं, वैसे उर्दू वाले भी हासिल करते हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि ये जो 4,000-5,000 स्कूलों की बात हुई है इसमें से जो 10वीं और 11वीं और 12वीं से बच्चे जो पास होते हैं ये गवर्नमेंट के CET एग्जामिनेशन में बैठते हैं, और गवर्नमेंट की CET हो, इंजीनियरिंग स्ट्रीम हो या मेडिकल स्ट्रीम हो, इसमें बाकायदा अच्छे नंबरों से पास होते हैं और गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलता है। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि महाराष्ट्र में जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस है पिछले साल जो तमाम दाखिले हुए उसमें 10% मुस्लिम बच्चे थे, उन कॉलेजेस में जिसकी गवर्नमेंट ग्रांटेड कॉलेज है जिधर कम फीस भर के ना तालीम हासिल की। मुस्लिम बच्चे थे या उर्दू मीडियम से पढ़ के आए हुए? अगर मुसलमानों का आप जायजा लेंगे तो मुस्लिम जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना खासकर महाराष्ट्र में ये 3 इसमें तकसीम है, 1/3 बच्चे जो है उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं, 1/3 बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, और 1/3 बच्चे या उससे थोड़ा कम मराठी मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं। मैं आपके पास आऊँगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन जैद भाई आपकी तरफ आता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो उर्दू मीडियम से अपने बच्चों को पढ़ाने की सही की है ये क्या है? क्या ऐसा लगता है कि हम उर्दू मीडियम से अपने बच्चों को पढ़ा के कहीं मजहब की कोई खिदमत कर रहे हैं, या अनसेट तरीके से जो उर्दू को हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद मुसलमान कर दिया गया वो कौम ने भी मान लिया कि ये मुसलमानों की जबान है और ये जबान मुसलमान है, अपने बच्चों को अगर हम उर्दू पढ़ाते हैं तो आया हम दीन पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई साइकी काम कर रही है क्या इसके पीछे? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबिही अजमईन अम्मा बाद। देखिए, एक लोगों में थिंकिंग बनी है वो ये कि उर्दू इस्लामिक लैंग्वेज है, इस बात में कोई शक नहीं कि बहुत सारा इस्लामिक कंटेंट, नॉलेज, मटीरियल हमें उर्दू ज़ुबान में मिलता है, और जब कोई शख्स उर्दू जानता है तो वो सारा का सारा मटीरियल एक्सेसिबल हो जाता है, मतलब कि वो वहाँ पहुँच कर वहाँ से नॉलेज हासिल कर सकता है। ये एक अलग बात है कि आज इंग्लिश में भी मटीरियल बहुत कुछ अवेलेबल है और दूसरी लैंग्वेजेस में भी ग्रेजुअली ट्रांसलेट होकर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता जा रहा है, लेकिन उर्दू में जो खजाना है वो दूसरी जुबानों में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि एक्चुअली जो इस्लामिक लैंग्वेज है वो है अरबिक, कुरान अरबिक जुबान में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें अरबिक जुबान में है, और जो अरबिक जुबान का खजाना है वो उर्दू के कंपेरिजन में कईयों गुना बहुत ज़्यादा है। होना तो ये चाहिए कि हम मुसलमानों को अरबिक से कनेक्ट करना चाहिए और जो ओरिजिनल लैंग्वेज जो इस्लाम की है, कुरान की है, वो लैंग्वेज से कनेक्ट करके अपनी नॉलेज इस्लाम की बढ़ानी चाहिए, ये गोल है। अब उर्दू ज़ुबान में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं अरबिक के जो मौजूद है, कई बार जब आदमी उर्दू जानता है तो अरबिक तक पहुंचना उसके लिए एक स्टेप आसान हो जाता है, ये एक बात है। लेकिन इस्लाम ने जनरली नॉलेज को बताया है एजुकेशन से आगे का स्टेप, एजुकेशन का मकसद होता है नॉलेज तक। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, चाहता हूं उसे डिफाइन करें थोड़ा सा। लोग एजुकेशन तो हासिल करते हैं लेकिन नॉलेज नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि कई बार एजुकेशन में मकसद होता है बस कैसे भी एग्जाम पास कर लो, किसी भी तरह से एक डिग्री हासिल कर लो, लेकिन नॉलेज हासिल हुई या नहीं हुई। तो हम देखते हैं इस्लाम ने तो पहली आयत जो कुरान की नाजिल हुई सूरह 96 आयत नंबर 1 वहीं से नॉलेज की इंपॉर्टेंस बता दी, जब अल्लाह ताला ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे बनाया। अब जो पढ़ने कहा गया तो खाली पढ़ने नहीं कहा गया,
आज लोग पढ़ रहे हैं लेकिन अल्लाह को भूल के पढ़ रहे हैं। इस्लाम ने सिखाया है पढ़ अपने रब के नाम से पढ़, मतलब पढ़ना है अल्लाह को याद रखकर। क्योंकि होता क्या है कि कोई शख्स अगर अल्लाह को भूल जाता है, कई सारी ऐसी चीजें इन्वेंट करता है, कई सारी ऐसी मार्केट प्रैक्टिसेस लोगों में आती है जिसमें सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक कल्चर और मटेरियलिस्टिक गोल सामने रह जाते हैं, जो एक एजुकेशन है जो बिल्कुल मॉरल वैल्यू से खाली एजुकेशन हो जाती है। तो हम मुसलमानों को एक बात तो एहसास होना चाहिए कि इस्लाम ने एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंकरेज किया। मैं इस बारे में बहुत कुछ और बताना चाहूंगा। जी जी। सारी बल्कि वो आयतें, वो सारी हदीसें जो इल्म के ताल्लुक से है उसमें दुनियावी इल्म भी आता है। जी जी जी। और हम ये देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ए अल्लाह मैं तुझसे नफा देने वाला इल्म मांगता हूँ। बेनिफिशियल नॉलेज, अब चाहे वो मैनेजमेंट स्टडीज की नॉलेज हो, चाहे वो मेडिसिन की नॉलेज हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की नॉलेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की नॉलेज हो, जो बेनिफिशियल नॉलेज है वो सब चीज हासिल करने इस्लाम ने एनकरेज किया है। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा बेनिफिशियल नॉलेज तो वो नॉलेज है जो हमारी आखिरत से ताल्लुक रखती है, जो हमारे जिंदगी के मकसद से ताल्लुक रखती है, जो हमारे रब से ताल्लुक रखती है। बेशक जैद पटेल साहब ने हमें बताया कि नॉलेज और एजुकेशन दोनों में बड़ा बुनियादी फर्क है। आइए इस फर्क को जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर काजी साहब। डॉक्टर काजी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आज के लोग, आज के इंसान और ख़ास तौर पर आज के मुसलमान एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं और नॉलेज को कहीं भूल गए हैं? हमारी जिंदगियों का मकसद डिग्री हासिल करना रह गया और डिग्री इसलिए चाहिए हमें कि नौकरी करनी है, कारोबार करने हैं या अपने आप को अपने सोशल सिस्टम में फिट करना है। तो ये जो नॉलेज और एजुकेशन के दरमियान का फ़र्क है, ये इस मुस्लिम समाज में किस हद तक एग्जिस्ट करता है, और अगर करता है तो ये बेनिफिशियल है या नुकसानदेह, फ़ायदेमंद है, सूदमंद है या नुकसानदेह? हाँ, जो सवाल आपने पूछा अभी, उससे पहले मैं और एक मौजू पे गुफ्तगू करना चाहूँगा। जो आपने मेरे भाई मुनव्वर साहब से जो सवाल पूछा, उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल सही नहीं होता, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है आजकल, वो बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हमसे पूछिए, अंजुमन इस्लाम के पास 40,000 बच्चियाँ तालीम हासिल करते, उसमें से 75% उर्दू मीडियम स्कूल्स है। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि आप देखिए, यार अंतुले साहब चीफ मिनिस्टर बने महाराष्ट्र के, उर्दू मीडियम से अंजुमन इस्लाम से तालीम हासिल की। दिलीप कुमार साहब वहाँ से तालीम हासिल की, उनके अंग्रेज़ी आप देखिए A1 है। मजीद मेमन साहब आजकल टीवी पे बहुत सारे आते हैं, वो वहाँ के स्टूडेंट है। बड़ी लंबी तादाद है। मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, ये तीनों नाम आपने उस पिछली नस्ल के लिए जब उर्दू बहुत ज्यादा मौजूद थी हिंदुस्तान में। नहीं, उन्होंने भी उर्दू मीडियम से पढ़ते हुए अपने आप को इम्प्रोवाइज किया। उस जमाने में तो सब उर्दू मीडियम से, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी उर्दू मीडियम से होते थे, गुलजार देहलवी उर्दू मीडियम से होते थे, धर्मेंद्र साहब उर्दू मीडियम से होते थे। मैं 1,000 दूसरी कौमों या दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के नाम गिना सकता हूँ। हम आज के सिनेरियो में बात, आज के सिनेरियो में बता रहा हूँ, ये चीज ऐसी है कि हमने जहाँ हमारे उर्दू स्कूल्स है वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस लिए जाते ताकि दे कैन फेस द वर्ल्ड विद इंग्लिश। इस तरह से महाराष्ट्र में हमने एक रिवॉल्यूशन लाया, ये करीब 1950 से में ये बात हुई। हमने गवर्नमेंट से कहा कि तीसरा सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जो कहीं संस्कृत होता है, कहीं मराठी होता है, कहीं गुजराती मीडियम में होता है, तो हमने कहा ये सब्जेक्ट उर्दू में क्यों ना हो। तो 50 मार्क्स उर्दू में है और 50 मार्क्स का हिंदी में वो सब्जेक्ट है। इससे क्या हो गया कि हम इंग्लिश स्कूल एस्टैब्लिश किए और साथ साथ उर्दू पढ़ाई जाती है ताकि हम उर्दू से करीब रहें। उर्दू से करीब रहना यानी मज़हब से जुड़े रहें। हालांकि जैसा उन्होंने कहा कि अरबिक हमारी लैंग्वेज ऑफ रिलीजन है, लेकिन हमारी लैंग्वेज ऑफ तहजीब जो है उर्दू है, वो हमको बांध के रखती है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया है कि एक ही प्रमाइसिस में उर्दू मीडियम स्कूल भी है और इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है। यहाँ के टीचर्स वहाँ पढ़ाते, वहाँ के टीचर्स यहाँ आते। और 2012 में जाके हमने एक तब्दीली लाई, वो ये है कि हमने उसको उर्दू स्कूलों को सेमी इंग्लिश बनाया है। ये अंजुमन का कॉन्सेप्ट सब जगह अभी महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वो ये है कि मैथमेटिक्स और साइंस अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है और बाकी के सब्जेक्ट्स उर्दू में पढ़ाए जाते हैं। उर्दू में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ बड़ा एक मैं ज़ाती तौर पे तजुर्बा करता हूँ, वो ये कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारा एक बच्चा उर्दू स्कूल से तालीम पाता है और वो ग्रो करता है, और ग्रो करते करते अमली मैदान में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आता है या पुलिस सर्विसेज में आता है, और उसके बाद जो उसके सामने प्रैक्टिकल दुनिया है उसमें उर्दू कहीं मौजूद नहीं है, क्योंकि ताज़ीरात हिंद जो है वो इंडियन पिनल कोड में या भारतीय दंड संहिता या जो कुछ भी है उसमें बदल गई है। तो सवाल यह है कि हम उसे उर्दू क्यों पढ़ा रहे हैं जब हमारे पास दूसरे निज़ाम मौजूद हैं? हम उस बच्चे के लिए मुश्किलें क्यों पैदा कर रहे हैं, चाहे हम स्कूल में उसे दो कोरम पढ़ा रहे हैं, आधा अंग्रेज़ी में आधा उर्दू में? तो कहीं हम अपने बच्चे की सलाहियतों पर ज़्यादा बोझ तो नहीं डाल रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप देखिए स्टेट वाइज लीजिए, जैसा
हमारे मनोहर पीर भाई साहब ने कहा कि आप महाराष्ट्र स्टेट के एग्जाम्पल लीजिए, यूनिवर्सिटी में हमारे जब गुफ्तगू होती है तो वाइस चांसलर मराठी में बात करते हैं, हमारे जब मिनट्स आते हैं तो मराठी में आते हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है मराठी में होता है, ऐसा नहीं कि सब इंग्लिश में हो रहा है। उसके बावजूद भी जो बच्चे वर्नैकुलर मीडियम से पढ़ते हैं, बड़े मराठी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, अच्छे बच्चे परफॉर्मेंस कर ही देते हैं। इसी हवाले से मैं पीर भाई साहब की तरफ आता हूँ। सवाल ये, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मराठी में लोग मिनट्स लिखते हैं और मिनट्स आते हैं और वाइस चांसलर बोल रहे हैं तो मराठी में बोल रहे हैं, मराठी या हिंदुस्तान की दूसरी जबानों के साथ खास प्लस पॉइंट ये है कि वो किसी एक खित्ते, किसी एक इलाके की जबान है। मिसाल के तौर पर अगर हम मराठी को लें तो मराठी महाराष्ट्र की जबान है या महाराष्ट्र में उस जबान की हुकूमत है, बोलने और समझने वाले लोग मौजूद हैं। यही मराठी के मिनट्स आप दिल्ली में पढ़ के बताइए, मराठी के मिनट्स आप साउथ में या यूपी में पढ़ के बताइए, तो ना किसी को समझ में आएंगे, ना कोई बोलेगा ना समझेगा। उर्दू के साथ एक अलमिया यह है कि वो सारे हिंदुस्तान की जबान थी और सारे हिंदुस्तान की जबान नहीं भी है, किसी एक खास स्टेट की जबान नहीं है, किसी एक खास इलाके की जबान नहीं है जहां पर सब कुछ उर्दू में होता हो। और जबान जैसे मसलन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी मुद्दा मजहबी मुद्दे से बड़ा मुद्दा है, मराठी जबान का मुद्दा, और उर्दू के साथ ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी उर्दू जो है वो किसी मजहब या किसी दूसरे तासुब से ऊपर उठ के उसकी वकालत करने वाला कोई हो, ऐसा नहीं है। तो आप पीर भाई साहब, आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि ये उर्दू हम अपने बच्चों को देके और उनकी पर्सनैलिटी में या उनकी मेहनत में कहीं एक स्प्लिट डाल रहे हैं, उन्हें डबल मेहनत करवा रहे हैं कि देखो भाई क्योंकि तुम मुसलमान घराने में पैदा हुए इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम उर्दू में पढ़ो और तुम उर्दू में याद रखो क्योंकि तुम्हें अपना लिटरेचर पढ़ना है और उसके बाद तुम डॉक्टर और इंजीनियर भी बनो और IPS और IAS ऑफिसर भी बनो, और इस चक्कर में वो चूचू का मुरब्बा बन के रह जाए ना उर्दू वाले रहे, क्योंकि हमें बताया कि हमारे बच्चों को कितनी मजहबी नॉलेज है, ये हम सब जानते हैं, मुझे और मेरी नस्ल के बच्चों को या मेरे बच्चों को कितनी, हम सब जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी पूरी जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखा जाए ना, जैसा मैंने पहले कहा कि 80% जो आवाम तालीम हासिल करती है वो रीजनल लैंग्वेज में करती है। एक बीच में एक सर्वे आया था कि ऑल इंडिया सर्विसेज यानी UPSC इस किस्म की जो सर्विसेज है उसमें कितने अफसर जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए, तो ये पता चला कि 60-70% जो है ना वो सब वर्नाक्युलर से आते, या तो तमिल उनकी मादरी जबान है या तेलुगु मादरी जबान है या और कोई जबान है। आपको टोक रहा हूँ इसी हवाले से, जहाँ हम तमिल या दूसरी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि तमिल या दूसरी जबानों की जहाँ बात करते हैं वहाँ उनके कोरम के 80% लोग तमिल में एग्जाम दे रहे हैं, अंग्रेजी और उर्दू और बाकी सब मिला के 10% में। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि उर्दू वाले 10% हैं, बाकी 90% मराठी या अंग्रेजी में एग्जाम दे रहे हैं। देखिए, पहले ये हमें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो मुख्तलिफ यानी जबानों का मुल्क है। जी बेशक। और इंग्लिश जबान जो है ना वो इतनी मजबूत और पॉपुलर क्यों हुई? आज़ादी के फौरन बाद लोगों का ये ख्याल था कि वो तमाम जबानें जो खामोश रही है पिछले 200-300-400 सालों से वो उठ खड़ी होंगी और इंग्लिश का चलन जो है वो हिंदुस्तान के बाहर चला जाएगा। तो ऐसे ही कुछ रीजनल जमान के प्रेमियों ने रूरकी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने धरना लेके गए कि हम चाहते हैं अब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, अंग्रेज यहाँ से भगा दिए गए, अभी आपने पूरी ऊंची तालीम जो है वो हिंदी में लेना चाहिए या रीजनल लैंग्वेज में लेना चाहिए। वो प्रिंसिपल ने उस डेलीगेशन को लाइब्रेरी में ले गया और उधर बताया कि 50,000 किताबें जो है ये अंग्रेजी में हैं और ये अंग्रेज जबान जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जबान है, अगर किसी रीजनल जबान में ये तालीम हिंदुस्तान में देने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पहले इनको आपको उस रीजनल लैंग्वेज में तर्जुमा करना पड़ेगा जिसको 50 साल लगेंगे, और जब तक ये काम ख़त्म होगा तो अंग्रेजी में इतनी किताबें छपती है और साइंटिफिक इतना मटेरियल खड़ा हो जाएगा। तो वो बेचारे खामोशी से नज़रें नीचे करके चले गए। तो अब उर्दू के ताल्लुक से मैं ये कहूँगा, और ये ट्रेंड ऑलरेडी सेट हो गया है, जहाँ जहाँ उर्दू मीडियम स्कूल समाजी इदारों ने कायम किए आज सब इंग्लिश मीडियम स्कूल भी कायम कर रहे हैं, और जैसा काजी साहब ने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हुए भी आपके पास एक फार्मूला है जिसके ज़रिए से उन स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जा सकती है, पढ़ाई जा रही है, और जिन माइनॉरिटी मैनेज स्कूलों में इंग्लिश मीडियम चलाई जा रही है और अगर उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही है तो हमने एक ऐसा कैंपेन चलाना चाहिए जिसमें उर्दू पढ़ाई जा सके, ऐसा कैंपेन चलाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है उर्दू और मुसलमान, इस पर हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे क्योंकि आज का हमारा जो मौजू है वो मुसलमान और तालीम है। एक आखिरी सवाल के बाद मैं ये उर्दू के टॉपिक को बंद करूँगा, और आखिरी सवाल जैद भाई आपसे है। सवाल ये है कि आमतौर पर देखा ही गया है कि वो तमाम लोग
हमारे समाज या हमारी सोसाइटी से जो इस्तेआत रखते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी है अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाने की या भारी फीसेस देने की, वो प्रीफर करते हैं कि इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाएं, अपने बच्चों को उर्दू स्कूलों के करीब से गुजरने भी नहीं देते। एक आम परसेप्शन ये है। और जो बेचारे माशी तौर पर कमज़ोर लोग हैं, जिनको ये लगता है कि वो भारी भारी फीसेज और बच्चों के बहुत बड़े बड़े खर्चे पढ़ाई के नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो अपने बच्चों को उर्दू स्कूल की तरफ लेके जाते हैं, तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन क्या मौजूद है? देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने बिल्कुल और सही कहा, इसमें मैं और सवाल को पूरा कर दूँ, क्या इस्लाम का लैंग्वेज को लेकर कोई नुक्ता नज़र है? जी, जैसे कि आपके कमेंट में आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो टॉपिक है ये लैंग्वेज के डिस्कशन से ऊपर का मौजू का टॉपिक जो आपका मौजू है एजुकेशन और मुस्लिम। जी जी जी, अब ये मौजू का इंसाफ के साथ इंसाफ तब होगा जब हम ये लैंग्वेज से ऊपर उठकर ये सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज में मकसद ये होता है एजुकेशन हासिल करना। अगर मान लीजिए कि लोगों का परसेप्शन ये चेंज होता है कि सबसे आला मेयार की तालीम सिर्फ हमारी उर्दू मीडियम स्कूल्स में मिल रही है, जो टॉप ऑफ द मार्केट बेस्ट स्टैंडर्ड, क्योंकि ये बात तो अंडरस्टूड और नोन है कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग अपने मेंटल कैपेसिटी का 10% भी इस्तेमाल नहीं करता। अल्लाह ने कैपेसिटी बहुत सारी दी है और वो कैपेसिटी के अंदर बहुत मुमकिन है, बल्कि वो जो एज होती है लैंग्वेजेस सीखने की, वो एज के अंदर जितनी लैंग्वेजेस बढ़ा दी जाए उतनी कैपेसिटी और ओपन अप होती है, उसमें कोई वो कमी नहीं होती, यानी कैपेसिटी कम नहीं हो रही बल्कि एक अनयूज कैपेसिटी होती है जो एक शख्स इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो लोगों में एक परसेप्शन है कि बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हमें फला मिशनरी स्कूल में मिलेगी या फला इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिलेगी, ये परसेप्शन है जो मेन बात है। तो हम ये देखें कि कैसे हमारे तालीमी इदारों के स्टैंडर्ड्स और बेटर बेटर हो सकते हैं। जैसे इस्लाम ने सिखाया है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्नल्लाह जमीलुन हिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। जो कुछ कर रहा है एक इंसान बेस्ट तरीके से करे, खूबसूरत तरीके से करे। आप एंकर हैं, आप खूबसूरती से एंकर का काम करें, हम लोग पैनलिस्ट हैं, हम खूबसूरती से वो काम करें, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई सोशल सर्विस इंस्टीट्यूट है, मीडिया इंस्टीट्यूट है, वो सब अपने काम को बेहतरीन तौर पर करें, वो एक रिक्वायर्ड चीज है इस्लाम में। हम ये देखते हैं कि इस्लाम ने वो लिबरेटिंग चीज इंसानों के सामने लाई थी जिससे कि लोगों के माइंड्स लिबरेट हुए कई ब्लाइंड बिलीफ से, अंधविश्वास से। जब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा 24 जगहों पर अफला ताकिलून, क्या अकल नहीं इस्तेमाल करोगे, कई जगहों पर अल्लाह ताला ने जब कहा अफला तुबसिरून, क्या तुम लोग देखोगे नहीं, अफला ततफक्करून, क्या तुम लोग गौर नहीं करोगे, तो हम देखते हैं कि जब कुरान नाजिल हुआ तो अरबों का क्या हाल था। ये हाल था कि सबसे जाहिल कौम जिसमें लिखना पढ़ना बिल्कुल रेयर बात थी, लिटरेसी बहुत कम थी, और हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन और लिटरेसी को इस कदर इनकरेज किया कि आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाइए कि मुस्नद अहमद की सही हदीस है कि जो बद्र के जंग के जो कैदी थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें आजाद होना है, युअल्लिमु औलादल अंसारिल किताबता, आजाद होना है तो इतने साल के बच्चों को तुम लोग लिखना पढ़ना सिखाओ। इमेजिन करिए, वो थे जंग करने आए थे, दुश्मन थे, और दुश्मन को बना दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीचर, दुश्मन की नॉलेज से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फायदा उठाया। और हम ये आज तक सीख रहे हैं कि भाई कहीं अगर किसी के पास कोई कैपेसिटी है, कोई कैपेबिलिटी है, तो हम उस चीज का इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर अगर लोगों में परसेप्शन चेंज होता है तो वो कोई दूर बात नहीं है कि लोग लाइन लगाएंगे उर्दू स्कूल के पास कि अरे हम लोगों को एडमिशन चाहिए किसी तरह से। और अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर सिनेरियो ऐसा चेंज हो भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि इन्होंने इंडिकेट किया। चलें इस टॉपिक पर करना चाहूंगा प्लीज, कि आपने ये सवाल किया कि क्या उर्दू मुसलमानों की जबान है या इस्लाम में किसी जबान का कंसेप्ट है क्या। तो जब हम अंग्रेजी की बात कर रहे थे, बहुत सारी वेस्टर्न ममालिक में और यूरोप में अंग्रेजी का चलन है, लेकिन ऐसे ममालिक जैसा चीन है, जापान है, रूस है, कोरिया है, यहाँ पर अंग्रेजी में साइंटिफिक और इंजीनियरिंग और मेडिकल की तालीम नहीं दी जाती, नहीं दी जाती, लेकिन वहाँ का भी जो मुसलमान आबादी है वो उधर की मुकामी जबान में ये तालीम हासिल करता है। ट्रू, लेकिन जैसा कि अभी आपने खुद कहा IIT के रुड़की के हवाले से, उनके पास गए बच्चे और कहा कि अंग्रेजी तालीम को हटाओ, हम अपनी जबान में तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि 50 साल लगेंगे अपडेट करने में और तब तक दुनिया और आगे बढ़ जाएगी। वो बात मैंने ना उर्दू के हवाले से ऐसा नहीं, मैं कहता हूं नहीं, वो मैंने इंडियन कॉन्टेक्ट के हिसाब से की थी। जी जी, दरअसल इतनी सारी रीजनल लैंग्वेजेस में सिर्फ एक जबान है उर्दू, जिसकी पहली यूनिवर्सिटी 1920 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम हुई। जी जी, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तमाम टेक्निकल सिलेबस, मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह जो है, वो उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन किया। और ऐसे लोग मैंने देखे हैं और बहुत ज़यीफ हो गए होंगे, जिंदा है, जिन्होंने उर्दू मीडियम से डॉक्टरी की है, उर्दू मीडियम से इंजीनियरिंग पास की है, लेकिन ये मामला किसी भी और रीजनल यूनिवर्सिटी या रीजनल लैंग्वेज में ये नॉलेज जो है, साइंटिफिक नॉलेज जो है,
वो ट्रांसलेट हुआ हो या अवेलेबल हो, तो इसलिए हमको अंग्रेजी को अपनाना है। और जैसा काजी साहब ने कहा कि महाराष्ट्र इस बारे में इतना खुशकिस्मत है कि जब मिनिस्टर थे रामकृष्ण मोरे, उन्होंने महाराष्ट्र में पहली जमात से अंग्रेजी शुरू की, जो कि पूरे किसी रियासत में उस वक्त नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, लोगों ने सिक्स से शुरू होती थी जी। हाँ, हाँ। और सेमी इंग्लिश का भी जो डिसीजन है वो महाराष्ट्र की प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट ने लिया है, इसलिए तमाम रीजनल स्कूलें हैं, वो मराठी हो, हिंदी हो, तमिल हो या उर्दू हो, उसमें सेमी इंग्लिश के जरिए से आप साइंस के सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में सीख सकते हैं, ताकि आपको 11वीं 12वीं और आगे के तालीम में आपको दुश्वारी ना पेश आए। एक सवाल उनको पूछा था कि परसेप्शन है कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे अगर जाते हैं तो उनका मुस्तकबिल अच्छा होता है, उर्दू मीडियम में गरीब बच्चे जाते हैं, ये हकीकत है। अंजुमन के पास करीब 20 प्राइमरी सेकेंडरी उर्दू मीडियम स्कूल है, और हम उसको जिंदा इसलिए रख रहे हैं, मियारी बना के रख रहे हैं, क्योंकि गरीब से गरीब बच्चा वो स्कूल में जाता है, क्योंकि उर्दू स्कूल जो है वो एडेड है, उसमें फीस नहीं के बराबर है, इसलिए हमने उनको जिंदा रखा है मियार के साथ। मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा, हमारी बांद्रा में गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पे हम 50% एप्लीकेंट्स को एडमिशन देते हैं, 50% बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि जगह की किल्लत है। ये क्यों लोग कह रहे हैं कि उर्दू के क्लासेस बंद होते जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जहाँ मियारी तालीम दी जाती वहाँ उर्दू के लिए डिमांड है। नंबर दो, एक बात आपने कही, मेरे पास जो रिक्वेस्ट आते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल केजीज के लिए एंट्री पॉइंट पे, बहुत सारे बड़े बड़े वसीले किसके लिए आते हैं? हमारे इमाम साहब की बच्ची है, इसको एडमिशन दो। मेरे पास कम से कम ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट वहाँ से आते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, क्या बात है, यानी ये हकीकत है जी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कई सहाबा जैद बिन साबित वगैरह को दूसरी लैंग्वेजेस भी सीखने कहा, ताकि वो लैंग्वेजेस में इस्लाम की दावत पहुंच सके। Right. तो ये सारी लैंग्वेजेस में हम डिवाइड नहीं करते। मराठी लोग देखते हैं कि जैसे उनकी जुबान है, ये भी हमारी है। कोई भी बेनिफिशियल नॉलेज इंग्लिश और मराठी में कोई हमारे लिए फर्क नहीं है। और मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर जो मैसेज और जो इंस्पिरेशन लोगों ने कैच किया, अगर लोगों ने उस बात का एहसास अपने दिल में ले आया, उनकी जिंदगियों में वो एक विजन पैदा हो गया, तो वो चीज कोई बहुत दूर नहीं है। जो 50 साल जो लगते ट्रांसलेट करने, वैसा मटेरियल उर्दू या अरबिक जुबान के अंदर सारी कॉलेजेस में अवेलेबल हो जाए, और बड़े हायर लेवल के एजुकेशन के लिए लोग उर्दू कॉलेज में आके एडमिशन लेने लगे, अगर वो ट्रेंड आ जाए। मतलब जो ट्रेंड उस जमाने में आ गया कि जहालत के जमाने से निकल करके मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स बन गए। देखिए यहाँ नाज़रीन, मेरा ये व्यू है कि मुस्लिम वर्ल्ड के कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे, दुनिया के इंसानों को देने वाले लोग रहे, यहाँ पे एट द रिसीविंग एंड की जगह एट द गिविंग एंड रहे। और हम चाहते हैं कि हम बेनिफिट पहुंचाए सारे इंसानों को, हमारे कंट्री के लोगों को, और वो चीज फिर से हो सकती है अगर मुस्लिम सिर्फ अपनी दुनिया के विजन पर वापस आ जाए कि वो दुनिया में रह क्यों रहे, ऊपर वाले ने बनाया क्यों। मैं आपके पास वापस आऊंगा और इस सवाल के साथ आऊंगा। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये जो तालीम को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, एक दुनियावी तालीम, एक दीनी तालीम, क्या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? लेकिन उससे पहले नाज़रीन, ये उर्दू की बात हम यहीं ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह उर्दू पर या लिंग्विस्टिक पर एक अलग से प्रोग्राम रखेंगे, एक पूरा टॉपिक होगा और उस पर गुफ्तगू करेंगे, और हमारे पैनलिस्ट होंगे एक आखिरी पैगाम के साथ, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है नाज़रीन तक पहुँचे। और वो पैगाम ये है कि उर्दू और उर्दू वालों के साथ शायद ज़्यादती इसलिए होती है कि उर्दू को सिर्फ मुसलमान पढ़ता या पढ़ने की कोशिश करता है। आइए हिंदुस्तान की दूसरी कौमों और दूसरे मजहब के लोगों को उर्दू से जोड़ें, और ये कोशिश करें कि हिंदुस्तान में उर्दू हर मजहब, हर तबके और हर क्लास की जबान बन जाए, तो फिर उर्दू के साथ किया जाने वाला तासुब खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तमाम दूसरी कौमों और तमाम दूसरे मजाहिब के लोगों का फ़ायदा होगा, उर्दू का फ़ायदा होगा और हम सब का फ़ायदा होगा। आइए डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। मैं एक मिनट उस पर भी गुफ्तगू ज़रा करूँगा, हाफ ए मिनट। गैर कौम की जो बात हुई, अंजुमन इस्लाम NCPL के थ्रू से डिप्लोमा कोर्सेज उर्दू के लिए शुरू किया था बहुत ज़माने से। उसमें पढ़ने वाले कौन आते हैं? हाई कोर्ट के जजेस, इनकम टैक्स कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, क्योंकि उर्दू जानना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ तो कैपेसिटी से ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं। और एक तो साहब उसमें एक महाराष्ट्रियन थे, जब सर्टिफिकेट हमने उनको दिया तो बोला साहब मुझे ख्यालात अपने इजहार करने होंगे, बड़े अच्छी उर्दू में बोला महाराष्ट्रियन ने। और उसने शुरू ऐसी की कि उर्दू एक रूह को छूने वाली ज़बान है, और जो उर्दू के बारे में हम पहले सोच रहे थे और आप सोच रहे, एक तहजीब है कि अरे कितनी अच्छी उसने तकरीर की। तो ये सिलसिला तो सब जगह जारी है। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने, और इस मैसेज को मैं और क्लियर कर दूं कि तुम्हारे होंठ उर्दू बोलते हैं, तुम्हारे होंठ उर्दू बोलते हैं, मुझे लगता है खुशबू बोलते हैं। आइए इस खुशबू को फैलाने का तहिया करें और इरादा करें। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। एक बात इसमें एक इजाफा करना चाहूंगा, देखेंगे कि जहां मुस्लिम हुकूमतें पहुंची
वहां वहां की जो लोकल लैंग्वेजेस है ने दम तोड़ दिया जी जी। साल के तौर पर इजिप्ट के अंदर जो हम देखते हैं कि कॉप्टिक लैंग्वेज चलती थी, अगर आप विकिपीडिया वगैरह में चेक करें तो वो लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो गई स्लिम्स आने के बाद। इजिप्ट की नेशनल लैंग्वेज अरबिक बन गई। उसी तरह आप देखेंगे बर्बर लैंग्वेज, बर्बर लैंग्वेज खत्म हो गई, कई सारी और दूसरी जुबान थी जहां खत्म हो गई। ये इनिशियल दौर में जहां जहां मुस्लिम हुकूमतें जाती वहां अरबिक लैंग्वेज पहुंच जाती, लेकिन जब बाद में मुसलमानों का इस्लामिक कमिटमेंट नॉलेज वगैरह कम होती गई तो वहां ये देखा गया कि बाद में, जैसे मिसाल के तौर पे अर्ली दौर की बात है, पर्शियन लैंग्वेज का इफेक्ट बहुत ही नॉमिनल बच गई पर्शियन लैंग्वेज। उसके बाद की जब अरबिक आई तो वो एरियाज में अरबिक लैंग्वेज बन गई, पर्शियन एक नॉमिनल रोल तक पहुंच गई। लेकिन बाद के दौर में हम देखते हैं कि जहां पर मुसलमानों का रिलीजियस नॉलेज और कमिटमेंट कम होता गया वहां पर अरबिक मिक्स होती गई लोकल लैंग्वेज के साथ, एक नई लैंग्वेज बनती गई, नई लैंग्वेज, और उसका ही एक प्रोडक्ट है उर्दू जुबान। इसीलिए उर्दू को लश्करी जबान कहा जाता है। मुझे लगता है नाज़रीन, मुझे इतना ज्यादा मेरे पैनलिस्ट ने एक्साइटेड कर दिया है कि लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज और उर्दू के हवाले से एक बाकायदा अलग एपिसोड रखना पड़ेगा और ज़रूर रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और हम बात कर रहे थे तालीम और नॉलेज की, एजुकेशन और नॉलेज। एजुकेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है, मैं चाहता हूँ कि आप नाज़रीन को बताएं, और ये फ़र्क कितना बड़ा है और इसके नुकसान ये फ़ायदे क्या क्या हैं? तालीम के बगैर नॉलेज का हासिल होना मुमकिन है, और अगर है तो किस तरह? ये मामला सब कौम के साथ है, यहाँ तक के IIM के साथ भी है। मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था IIM अहमदाबाद में, तो उनके जो बानी वहाँ थे बहुत बेहतरीन स्पीकर, उन्होंने शुरुआत ही ऐसी की कि लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग, इट शुड नॉट बी टीचिंग बट इट शुड बी लर्निंग। ये मसला सब जगह है, और आजकल मेरे ख्याल से जो अच्छे अच्छे इदारे हैं वहाँ पर तालीम इस तरह की दी जाती है कि यू मस्ट बी नॉलेजेबल, नहीं तो वो जो पैरट के जैसा जो बाय हार्ट स्टडीज़ हुआ करती थी वो दौर चला गया। अभी उसको किस तरह से चेंज किया, लर्निंग विद एक्टिविटीज़। हमारे स्कूलों में हमने ई क्लासरूम शुरू किए जिसमें प्रोजेक्टर के तहत उनको पढ़ाया जाता है, एनिमेशन होता है, और समझो साइंस का एक लेक्चर अगर ले रहे हैं तो एक ग्लास में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा रखा जाता है और उसमें उसको डाल देते हैं और वो लकड़ी का टुकड़ा ऊपर ही रह जाता है, वो नीचे जाता नहीं। लड़कों से पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, फिर कहते हैं एक छोटी सी चावी लीजिए उसमें डाल दीजिए, वो डूब जाती है। तो ये बायोन्सी जो है पानी में जो रहती उसको इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है, लर्निंग विद एक्टिविटीज। डॉक्टर साहब, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ या मेरा तजुर्बा है, ऐसा हर जमाने में हुआ है। जब हम छोटे से बच्चे थे और हम सरकारी स्कूलों में देखते थे या गैर सरकारी स्कूलों में देखते थे तो वहाँ हम देखते थे एक स्लेट रखी है, उसके नीचे बहुत सारे मोती हैं और एक टीचर खड़े होकर बच्चों को पहाड़ा याद करा रहे, 2 * 2, 2 * 4, 2 * 3, 6, वो मोती इधर से उधर जा रहे, इतने बड़े बड़े से मोती होते थे। या जो उस वक्त के पब्लिक स्कूल होते थे या मिशनरी स्कूल ज्यादा हुआ करते थे उस वक्त, तो वो उस तरह की एक्टिविटीज में लोगों को रखते थे। लेकिन आज का तजुर्बा ये है, आज मैं खुद बॉम्बे में रहता हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, और अभी पिछले दिनों का तजुर्बा, मेरा एक बच्चा जो बीच वाला बेटा है वो 5th क्लास में पढ़ता है, वो एग्जाम के अपने पेपर की तैयारी कर रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटे दिखाओ तुमने क्या क्या तैयार किया, उसने लाके मुझे अपनी बुक दी, मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा तो कहता, नहीं पापा ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं आएगा। तो मैं 2 मिनट के लिए हैरान रह गया, मैंने कहा नहीं आएगा मतलब ये तुमको किसने बताया? बोले टीचर ने बताया, आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस ही है, इसमें से कुछ आएगा। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें इसलिए हो रही साहब, देखिए ये एक यूनिवर्सल बीमारी है। पहले जो टीचर्स थे वो बड़े पैशन के साथ पढ़ाई कर लेते थे, आजकल जो टीचर्स है जो अंग्रेजी में कहते हैं दे आर नॉट बाय चॉइस बट दे आर बाय कंपल्शन। ये मसला IIT में भी है, प्रोफेशनल कॉलेजेस में है। हम जब एडवर्टाइजमेंट देते हैं हमारे टीचर्स की इंटरव्यू के लिए तो बड़े मुश्किल से हमको कोई कैंडिडेट मिलता है, और हम क्या कहते हैं एट दी एंड ऑफ इट, अंधों में काना राजा, कोई मिलता ही नहीं। हमारे एडमिशन खत्म होने के बाद अंजुमन के दूसरे इंस्टीट्यूशन हमको बोलते हैं उसमें से ज़रा आप हमको डाटा दीजिए, अवेलेबिलिटी ही नहीं है। जो जहीन लोग हैं दे गेट बेटर सैलरीज एल्सवेयर, तो वो इस प्रोफेशन में आते ही नहीं, शॉर्टकट मेथड्स। लेकिन आज हालात दूसरे चेंज हो रहे, जो आपने कहा नॉलेज विद अंडरस्टैंडिंग, वो ये कि इट इज़ मोर ऑफ इंटरएक्टिव, टीचर कम बोलती है बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास के गुफ्तगु करते हैं ताकि दे आर इन्वॉल्व। नहीं तो पहले ऐसा होता था ब्लैक बोर्ड लेके चौक लेके सबसे बेहतरीन बच्चा है उसको बोलते आप बोलिए, वो जवाब दे गया सब क्लास को आया, ऐसा नहीं। आज जो लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग जो आप बात कह रहे थे वो इस तरह की, आपकी गुफ्तगु से एक लफ्ज मैंने उठाया कि दे आर टीचर बाय कंपल्शन। जैद भाई, मैं इसी बात से खौफजदा हूँ कि हम जो आज अपने बच्चों को तालीम देते हैं कहीं वो तालीम उनको डिग्रियाँ दिला के उनके उनके प्रोफेशन में बाय कंपल्शन तो नहीं ले जा रही।
कहीं हमारे बच्चों के दिलो दिमाग में तालीम का मकसद ये तो फिट नहीं हो रहा कि हमको पढ़ लिख के एक डिग्री लेनी है और उस डिग्री से एक नौकरी लेनी है। उसका एक्सेलेंस या उसका नॉलेज से कितना ताल्लुक है, क्या हम ये अपने बच्चों को दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। बिल्कुल सही, और जैसे काजी साहब ने बिल्कुल राइटली कहा, ये सिर्फ मुस्लिम्स का मामला हाँ, नहीं है। हाँ, हाँ, ये एक जनरल प्रॉब्लम है माशरे और समाज में पूरी तरह से, कि लोग ये बात को भूल जाते हैं कि हम ये चीज कर रहे हैं आखिर में इसका मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस, इसका गोल क्या है। तो आप ये कॉमन बात देखेंगे कि लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, फिर मार्केटिंग के जॉब में है, और कई सारी ऐसी चीजें देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप एक ख्वाब देखते हैं अपने बच्चे के लिए और वो चाहते हैं कि हम ये ख्वाब पूरा नहीं किया, हमारा बच्चा ये ख्वाब पूरा करेगा। वो तो एक बड़ी आम बीमारी है। क्या है बड़ी आम बीमारी है। हालांकि जो मैंने आपको बताया कि इस्लाम ने जो बात कही, और बल्कि मैं समझता हूँ कि बेस्ट टीचर इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने जिस तरह से लोगों को पढ़ाया कि आज तक 1400 साल चले गए, वी फील द इम्पैक्ट ऑफ हिज टीचिंग्स, उनकी तालीमात और पढ़ाई और बताने के अंदाज और सारी बातें हम तक आज तक पहुंची है। बल्कि आज आप देखें कई मॉडर्न रिसर्चेस में जो बातें आ रही है वो चीज 1400 साल पहले से कुरान और हदीस में है। मिसाल देता हूं आपको, एक रिसर्च में आया कई बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स को ले जाकर जब टेस्ट किया गया, उनको पहले कुछ रीडिंग मटेरियल दिया गया, कहा गया पढ़ो, पढ़ने का पूछा गया कितना याद है, तो देखा गया रिटेंशन अप्रोक्सीमेट 20% था। हम देखते हैं इस्लाम ने इकरा जब कहा पढ़ो तो वो चीज कवर्ड है। फिर कहीं पर ये किया गया कि स्टूडेंट्स को अलग अलग मेथड से पढ़ाते पढ़ाते कहीं पे कोई चीज डिमॉन्स्ट्रेट की गई, जब डिमॉन्स्ट्रेट की गई तो हम देखते हैं कि रिटेंशन 75% था। कोई चीज साथ में जब कही गई, हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सारी जो सुन्नतें जो प्रैक्टिकली करके सिखाई, जैसे मिसाल के तौर पे हज साथ में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुजू अन्नी मनासिककुम, सही बुखारी की हदीस, कि अपने हज का तरीका मुझसे ले लो, नमाज पढ़ के सिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं कि सल्लू कमा रहा है तुमनी उसल्ली, सही बुखारी की हदीस, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा। उसी तरह हम देखते हैं कि एक मेथड जो अपनाया गया जिसमें आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स थे, स्टूडेंट्स को कहा गया कि ये पढ़ो अब तुम आके पढ़ाओ, जब स्टूडेंट ने पढ़ा और पढ़ के पढ़ाया तो रिटेंशन 90% था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल्लिगो अन्नी वलो आया, पहुंचा दो मुझसे चाहे एक आयत क्यों ना हो, मतलब एक बात पता है पहुंचाओ, और जब वो शख्स पहुंचाएगा उस बात को तो खुद कितना रिटेन करेगा, उसका रिटेंशन लेवल 90% हो जाएगा, वो खुद उस बात को रिपीट करेगा, तालिब से टीचर बन गया जी। तो हम देखते हैं कि बेस्ट एजुकेशन मेथड इस्लाम में मौजूद है और एक सिंसियरिटी इस्लाम ने सिखाया। अच्छा, यहाँ बड़ा अहम सवाल ये उठता है जैन भाई के, आम तौर पे हमने ये देखा है कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दो अलग डिपार्टमेंट या दो अलग सेक्ट बना दिए गए हैं, क्या सचमुच ऐसा है कि दीनी तालीम एक अलग चीज़ है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खासकर इंटीरियर्स में जाता हूँ तो देखता हूँ मदरसे खुले हुए हैं, लोग कहाँ कहाँ से बच्चों को लेके आते हैं, उस इलाके के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, बिहार से उठा के ला रहे हैं, बंगाल से उठा के ला रहे हैं, और यूपी में मदरसे खुले उनको वहाँ पढ़ा रहे हैं, और जब उनसे सवाल किया जाए चंदे लेने आते हैं, यहाँ बम्बई में सबसे ज़्यादा आते हैं और नॉर्थ इंडिया से बहुत आते हैं, हम उनसे अगर सवाल करते हैं कि भैया क्या पढ़ाते हो तुम मदरसे में, तो कहते हैं कि दीनी उलूम पढ़ाते हैं। तो मेरे दिमाग में सवाल पैदा होता है कि ये दीनी उलूम क्या है और ये दुनियावी उलूम से कैसे अलग है? क्या दीनी इल्म कोई अलग सी शय है जो कुछ और सिखाती है और दुनियावी इल्म कोई अलग शय है जो डिग्री लेके नौकरी करवाती है? क्या ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन है? हम ये देखते हैं कि ये दोनों जो चीज़ के जो डाइकॉटमी आ गई, एक जो डिवीजन आ गया कि यहाँ पर ये दुनियावी स्पेशलिस्ट है, इन्हें दीन से कई बार लेना देना नहीं होता है, कई सारे एजुकेशनल एफर्ट वो दीनी रूह से दूर रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम ये सेक्युलर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम करना चाहते हैं, और जब वो ये करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो मेन पावर है ना, जो पावर जो था मुसलमानों के अंदर, जो फोर्स और स्ट्रेंथ थी, कि जब अरब जहालत के जमाने से वर्ल्ड के लीडर्स बन गए, दे वर रूलिंग द नोन वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम, 1/3 ऑफ द नोन वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम, इन द 100 इयर्स, ये कैसे हुआ? उस वक्त के सुपर पावर्स कैसे बिल्कुल डार्क एजेस में चले गए, और हम देखते हैं कि मुस्लिम्स वो वर्ल्ड में बड़ी बड़ी डिस्कवरीज और मुस्लिम साइंटिस्ट के बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो आज कई बार हिस्टोरियंस और कई बार हमारी साइंस की किताबें बताती नहीं है, लेकिन फैक्ट है और जो साबित है, कई बार मौजूद है। तो हम ये देखते हैं कि एक तरफ ये लोग हैं जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इकरा जरूर रखे हैं, लेकिन बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक नहीं छोड़ दिया कि अपने रब के नाम से, कई बार आई एम नॉट सेइंग स्पेसिफिकली, हालांकि जरूरत, देखिए यही तो पावर है हमारा, यही तो हमारी स्ट्रेंथ है, ये अल्लाह के लिए जब कोई इंसान काम करता है तो आसमान और जमीन का कंट्रोल करने वाला अल्लाह है, वही है अल-अमल कुरान, कुरान सिखाता है, वही है जो हिकमत सिखाता है, वही है जो इल्म देता है। तो हम देखते हैं कि ये एक चीज हो गई, ये एक लॉस हुआ, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा लॉस हो गया जो बहुत भयानक, इसके रिएक्शन और या क्या कहें, या ये हो सकता है उसके रिएक्शन में है, वो ये है कि मुसलमानों ने अपनी इस्लामिक तालीमी इदारों में से असरी तालीम और मॉडर्न एजुकेशन को अलग कर दिया, सका कि ये हमारा काम नहीं है, ये हम इधर रहेंगे, ये भी एक दूसरा नुकसान हो गया। हम ये देखते हैं कि वही लोग जो हम देखते हैं कि इस्लामिक फील्ड्स उलूम को पढ़ें, वो अंडरस्टैंडिंग और इल्यूमिनेशन के साथ जब वो पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर कोई शख्स ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो अल्लाह को भूल के नहीं पढ़े,
वहां पे भी तो अल्लाह को याद करें। कोई शख्स अगर हिस्ट्री पढ़ रहा है अल्लाह को याद करे, अकाउंट्स पढ़ रहा है तो कयामत के दिन के अकाउंटिंग को याद करे, मतलब वो सारी तालीमात भी यहाँ पे दीनी इदारों में क्वालिटी के साथ होनी चाहिए थी। बिल्कुल, और जो एहसास मैं आपके पास आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग में सवाल आता है, जैद भाई ने बड़ी अच्छी बातें बताई नाजरीन। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन इस्लाम एक तजुर्बा कर रहे हैं कि उर्दू और इंग्लिश को करीब ला के, कुछ सब्जेक्ट उर्दू में है कुछ इंग्लिश में। अभी जो जैद भाई की बातों से एक बात निकल के आती है कि एक दीनी तालीम है एक दुनियावी तालीम है, क्या आप कोई ऐसा भी तजुर्बा भी करते हैं कि ये तालीमों को जो अलग कर दिया गया है इन्हें करीब लाने की कोशिश करें? जैसा कि अभी जैद भाई ने कहा कि अगर कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट जो है वो पहाड़ों के सिलसिले को या पहाड़ किस तरह और कैसे वजूद में आते हैं देखे और उसकी जबान से निकले सुभान अल्लाह, या कोई तारीख का स्टूडेंट ये देखे कि खालिद बिन वलीद की या किसी दूसरे वारियर के जो अचीवमेंट्स हैं वो कितने बड़े हैं और वो बोले सुभान अल्लाह, तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है आपके? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और मुझसे आप पूछिए कि हम एक बैलेंस करके अपना अदारा चलाते हैं, क्योंकि अंजुमन इस्लाम है, इस्लामियात को कीपिंग इंटैक्ट, लेकिन इसमें बड़े मुश्किल आ जाते हैं साहब। हम दुनियाई तालीम दीन के दायरे में रख के दे रहे हैं, और हमारे यहाँ 3 पीरियड्स हर हफ्ते दीनियात के होते हैं, लेकिन मसला ये आता है कि कौन से मसलक का आप दिन बढ़ा रहे हैं मुझसे पूछिए। हमने जब शुरू किया तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, तो फिर एक सिलेबस ढूंढना पड़ता है विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल मसलक, ये दूसरा प्रॉब्लम। कुछ वालदैन फ़ोन करके हमसे पूछते हैं आपको किसने कहा है ये सब करने के लिए, आप तो दुनिया की तालीम दो हम घर में बच्चों को पढ़ा लेंगे। तो देर इज़ अ मिक्स रिएक्शंस, वो उसके बावजूद भी हमने हमारा प्रोसेस कंटिन्यू रखा। हमारे हर प्रोग्राम में भले गवर्नर आए भले प्रेसिडेंट आए, तिलावत कुरान के बगैर कुछ नहीं होगा, उसके तर्जुमे के बगैर कुछ नहीं होगा, ये है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि इसमें परेशानियां बहुत आती हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, मेरा सवाल कुछ और है। हाँ बोलिए। मेरा सवाल बिल्कुल ये नहीं है कि आप तिलावत कलाम पाक से शुरू कर रहे हैं या आप अपने बच्चों को इफ्ता पढ़ा रहे हैं या अपने बच्चों को फिका या तकवा पढ़ा रहे हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो ये दीन और दुनिया की तालीम को अलग कर दिया गया जो वाकईतन नहीं है, अभी जैद भाई की बातचीत से हमारे सामने ये बात आई कि जो कतन अलग, हम अगर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या हम अगर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उस ज्योग्राफी के अंदर अगर ज़रा सा ये बता दिया जाए जब ये बात हो कि ये पहाड़ जो हैं किस तरह से काम करते हैं या मैदानों में पहाड़ों की ज़रूरत क्या थी, तो कलाम पाक के अंदर एक आयत मौजूद है जो ये बताती है कि पहाड़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि देखो हमने तुम्हें किस तरह एग्जैक्टली आया था, आप बताएंगे अभी जैद भाई कि हमने किस तरह बैलेंस करने के लिए जी 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 पहाड़ों को जी मेखे बनाए मेखे बना दिया, या जब वाटर साइकिल हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो कलाम बाग में वाटर साइकिल बहुत अच्छे से डिफाइन की गई है, या जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं तो वो नुतफा मुदगा और अलका की अलग अलग स्टेजेस हैं जो बहुत वेल डिफाइन है, जिसको आज साइंस ने बड़े से माना है कि वो लुक्स लाइक ए लीच और वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या इन चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ के हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो हम एक बेहतरीन एजुकेटेड मुस्लिम बच्चे को समाज में लाएंगे? जहाँ तक अंजुमन इस्लाम का सवाल है हम ये कोशिश कर रहे और मुश्किलात बहुत हैं क्योंकि सिस्टम ऐसी है और सिस्टम में रह के आपको ये सब कुछ करना होता है। अभी फॉर एग्जांपल एक सवाल ही आता है, मॉरल क्लासेस का एक क्लास होता है, उसमें डायरेक्शन आते हैं डिपार्टमेंट से कि नॉन रिलीजियस हो, वैल्यूज़ के बारे में हो वगैरह वगैरह, तो हम वैल्यूज़ के बारे में करते हैं, तो फिर पाकिज़ा क्या चीज़ है वो हम इस्लाम के ज़रिए से बताते हैं बच्चों को। हमारे स्कूल हम बिल्कुल बताते हैं एम्ब्रियोलॉजी की, आपने बात की हमारी यूनानी मेडिकल कॉलेज वहाँ पर ये बात होती है, तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है हो रहा है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए वो जरा मुश्किल मामला है, लेकिन कोशिश तो है। जिस तरह से आपने जो बात कही है ना, ये एक इतना बड़ा और इतना अहम और इतना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है कि अगर इमेजिन करिए कि हमारे पास एक ऐसे टाइप का, भाई सोचने में कोई रोक नहीं सकता, सोचने में कुछ ज्यादा लेकिन सोचते हैं लोग, तो हो सकता है बाद में कोई कर भी ले, लेकिन जस्ट एक ख्याल आ रहा है कि कहीं अगर हमारे पास अपना एक बोर्ड होता जी 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 और वो बोर्ड के अंदर जितने सिलेबस की किताबें होती वो किताबों के अंदर साइंस के साथ साथ वो कुरान का पर्सपेक्टिव, वो इस्लाम की बताई हुई बातें, वो वाटर साइकिल जो कुरान और हदीस में मिल रहा है, या वो ब्यूटीफुल डिस्कवरीज या वो ब्यूटीफुल इंडिकेशंस, जो कई सारी चीजें ऐसी है जो साइंस डिस्कवर कर चुका है जो कुरान में 1400 साल पहले से है, कई सारी डिस्कवरीज जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने की, लेकिन कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जहाँ इस्लाम इशारा दे रहा है, जो हो सकता है आगे कोई अगर रिसर्च करेगा तब जाके डिस्कवर करेगा कि ये बात सही है। तो हम कहते हैं कि वो सब बातें अगर इंक्लूड होके एक ऐसा सिलेबस ही नहीं बल्कि एक पूरा एक बोर्ड होता, क्योंकि बोर्ड के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि फलां बोर्ड का ये रिस्ट्रिक्शन है, और अगर ऐसा एक इस्लामिक सिलेबस वाला बोर्ड कायम हो जाता जिसमें कोई वो चीज नहीं होती जो इस्लाम ने जो सिखाया, जो मॉरल सिस्टम जो सारे इंसानों के भले के लिए, जो कंट्री के भले के लिए, जो इंसानों के भले के लिए, वो एक पूरा मॉरल सिस्टम एक प्रॉपरली इंक्लूडेड हो, एक बहुत बैलेंस तौर पर पढ़ाया जाए, और ये काम जो एक इस्लामाइजेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट, जो नॉर्मल जो
एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर उसका भी इस्लामाइजेशन हो तो कितना बड़ा वैल्यू एडिशन हो जाएगा लोगों के लिए। राइट जी, मैं थोड़ा डिफर करता हूं उनके ओपिनियन से। जी ये बहुत अच्छी बात है, मुसलमान होने के नाते मुझे भी लगता है ऐसा होना चाहिए। ये ज़रा मुमकिन नहीं है, मैं हमारे तजुर्बात बताऊँगा। हमने तय कर लिया कि अंजुमन इस्लाम को यूनिवर्सिटी बनाया जाए। जब हमारे डिस्कशन होने लगे तो हमसे लोगों ने कहा, बड़े बड़े वाइस चांसलर ने, क्या आपका अंजुमन इस्लाम शाहबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इनके बच्चों को 100% प्लेसमेंट मिलता है और जो भी US में अप्लाई करता है हायर एजुकेशन के लिए उनका एडमिशन मिल जाते हैं, वो इसलिए कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी का उसको छप्पा है। जब अंजुमन इस्लाम यूनिवर्सिटी बनेगा तो आपके प्लेसमेंट्स में लोग आपको हाथ नहीं लगाएंगे, आपको फर्दर एजुकेशन के लिए नहीं मिलेगा, ये तो है अपनी जगह पे। तो आपके यहाँ बच्चे भी नहीं आएंगे अच्छे, जो क्वालिटी बच्चे आपके यहाँ आ रहे हैं समझो अंजुमन इस्लाम में। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज अंजुमन इस्लाम की A+ ग्रेड है एट द नेशनल लेवल। जिस दिन हम हमारी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अच्छे बच्चे हमारे बच्चे उधर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे फ्यूचर का क्या। सर मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको, डिफिकल्टी है। नहीं नहीं सर, एक मिनट, मैं वापस डॉक्टर साहब आप टोक रहा हूँ, जो मैंने जिस खौफ का इजहार किया था, जिस डर का इजहार किया था, आप वापस उसी पे आ गए। यानी कि हम इस खौफ से, इस डर से कि हमारे बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिलेगा या मुनासिब प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, हम अपने एजुकेशन के जो सिस्टम है उसको करप्ट रखें या उसमें कोई सुधार ना लाएं, क्या ये जरूरी है? नहीं, सिस्टम अपनी जगह पे अच्छी है, क्यों अच्छी नहीं है? सुधार लाने की बात कर रहे हैं, बुरा नहीं कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये प्रेजेंट सिस्टम में आला तालीम दी जाती है, दुनियाई तालीम आप ले रहे तो सही तरह की दुनियाई तालीम लो आप, फिर दुनिया और दीन अलग कर दिया आपने। हम दीन को अलग नहीं कर रहे, हम अभी इस नतीजे में पहुंच चुके हैं कि दीनी तालीम कोई अलग से शय नहीं है। यहाँ ये हो सकता है कि एक सप्लीमेंट्री बुकलेट्स हो कुछ हमारी एडिशनल एग्जिस्टिंग सिलेबस। चलिए मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। नहीं, जो टॉपिक पे बात हो रही है, बिल्कुल ये नहीं कि दीन को दूर रखा जाए, बल्कि हम दीन को साथ में रख के कर रहे हैं। तो साथ में कैसे रखेंगे, उसे फिका पढ़ा के? मैं नहीं समझता कि एक बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा है उसे फिका पढ़ाया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जो वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो जो वाटर रिसोर्सेज हैं, या अगर पेट्रोलियम इंजीनियर है जो, तो पेट्रोलियम के रिसोर्सेज हैं, उसके मुतालिक इस्लाम का क्या प्रोस्पेक्ट है, उसके मुतालिक कुरान और हदीस क्या कहते हैं, बस इतना जानना काफी है उसके लिए। फिका बताने के लिए तो बहुत सारे लोग हमारे पास हैं, बहुत सारे स्पेशलाइज लोग हैं हमारे पास, हमारे पास दारुल इफ्ता है अलग अलग दुनिया भर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। आज इंटरनेट पे जाइए आप तो दारुल इफ्ता सवाल लिख के भेजिए, 2 मिनट में जवाब आ जाता है। देखिए अल्टीमेटली इट इज द कस्टमर हु इज इम्पोर्टेंट। मैं और आप बहुत आइडियल सोचेंगे और सोचना भी चाहिए, क्यों ना सोचें, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कुछ और है। जो हमारे तजुर्बे है, हमारे यहाँ भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, आलिम लोग हैं, फाजिल लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, लेकिन आप अपने लेक्चर्स में वो बात कह भी देते हैं, हालांकि दूसरे कॉम के भी बच्चे बैठते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट तक है। और कस्टमर को अगर आप आला तालीम नहीं दे पा रहे, दुनियाई तालीम देना भी चाहिए आला, साथ में थोड़ा दीन का भी उसमें होना चाहिए, तो अगर वो तुम्हारे पास कॉलेजेस में आने नहीं लगेंगे तो तुम्हारे कॉलेजेस चलेंगे कैसे? एक सब विषय सर्कल है, ये माइंड सेट को बदलने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ और एक लफ्ज, एक स्पेसिफिक वर्ड डॉक्टर साहब ने बोला उसको लेके आ रहा हूँ कि कस्टमर, क्या तालीम के मैदान में लफ्ज कस्टमर कोई जगह आप नहीं रखता है? वो स्टेक होल्डर, कस्टमर, कस्टमर नहीं, वो बड़ी प्रैक्टिकल बात कही आ रहा है। मैं आपको मौरिद इल्जाम नहीं ठहरा रहा हूँ, बल्कि प्रैक्टिकल बात है। हमारे यहाँ जो अभी एजुकेशनल सिस्टम है तो वो बड़ा ज्यादा कारोबारी हो गया है, और उसमें बच्चे को या उस बच्चे की फैमिली को या उस बच्चे के पेरेंट को कस्टमर समझा जाने लगा है। ये जो कस्टमर साइकोलॉजी, इसमें चाहता हूँ इसे डिफाइन करें आप। देखिए पहले तो स्कूल में बच्चों को तालीम देना या कॉलेजेस में तालीम देना, ये एक चैरिटेबल वर्क था। यानी चैरिटी कमीशन भी डिफाइन करता है कि टू इम्पार्ट एजुकेशन इटसेल्फ इज अ चैरिटी। अब 2-3 चीज़ें हमको ये जाननी चाहिए कि असली तालीम हासिल करते हुए, अब ये बोर्ड से एफिलेटेड हो, यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो, इसके साथ में जहाँ तक इन्हें इस्लामी तालीमात का सवाल है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ के शोबे हैं जिधर PhD, पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन तक की डिग्री मिलती है। नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम से इस्लामिक स्टडीज़ जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में है, जामिया मिलिया इस्लामिया में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, बहुत सारी साउथ की यूनिवर्सिटीज में है, तो जो बच्चे ये इस्लामी तालीम हासिल करना चाहते हैं वो एक सब्जेक्ट के तौर पर उसको ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा, अरबी जबान, हम समझते हैं अरबी जबान हमारी जबान है, कुरान की जबान है, ये जबान आज स्कूल के लेवल पर आप ऑप्ट कर सकते हैं। 50% मार्क्स या 100% मार्क्स एज ए लैंग्वेज आप पूरी तरह से ले सकते हैं। तो आपका जो मकसद है असली तालीम के साथ में दीनी तालीम या जबान सीखने के मौके हासिल है।
दूसरी दो बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि एक बात हुई जिसका काजी साहब ने उस पर रोशनी डाली कि जहां जहां असरी तालीम के इदारे हैं, वो छोटी स्कूल हो या अंजुमन इस्लाम या हमारे आजम कैंपस जैसे बड़े इदारे हों, वहाँ पर हमारी ये पूरी कोशिश रहती है कि अरबी जबान, दीनिया, तजवीद, कुरान की तालीम, नमाज की तालीम जो है हम दें, और उसके लिए मैनेजमेंट बड़ी अच्छी रकम भी उस पर खर्च करते हैं और वो उनके पीरियड जो है वो बाकायदा टाइम टेबल में शामिल करते हैं। ये आजम कैंपस में भी हो रहा है, अंजुमन में भी हो रहा है और बहुत सारे स्कूलों में, प्रेयर हॉल्स, मस्जिदें और तमाम मुस्लिम तालीमी इदारे जो हैं वहाँ पाबंदी से नमाज का प्रोग्राम होता है। बहुत अच्छी बात है। वगैरह मैं एक मिनट आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह अगर हमने किसी को अरबी की अलिब बेते से जी मे खे दाल ज़ाल सिखा भी दिया तो उससे हमने क्या हासिल किया? लेकिन क्या हम बीइंग स्कॉलर्स, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, क्या हम हिंदुस्तान में अरबी जबान को इस लेवल तक ला पा रहे हैं कि आप जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर ये शौक पैदा कर पा रहे हैं? एक बात। दूसरी बात आपने कही कि केरला का एग्जांपल है, अरबिक लैंग्वेज लाई गई, क्या ऐसे और जगहों पे नहीं लाई? अगर देखिए अब एक सलूशन बताया, एक मिसाल है तो बहुत अच्छी है। उसके अलावा दूसरी बात आपने कही कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट हैं, जो आपके थियोलॉजी के डिपार्टमेंट हैं, दीनियात के डिपार्टमेंट हैं, अंग्रेजी और दूसरी जबान में, लेकिन मैं उन डिपार्टमेंट से बड़ा मायूस हुआ। कैसे मायूस हुआ मैं आपको बता देता हूँ। खुद अलीगढ़ की बात करते हैं, मैं खुद अलीगेरियन हूँ। अलीगढ़ में मैंने सिर्फ इसी रीजन से जो आपने भी बात कही, उसी शौक में मैंने मेरी दो छोटी बहनों को अलीगढ़ के दीनियात डिपार्टमेंट में पीएचडी कराया और उन दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको पीएचडी अवार्ड हो गई, इस्लामियात पे पीएचडी अवार्ड हो गई। लेकिन उनके टॉपिक्स क्या हैं आप हैरान आ जाएंगे जान। अगेन फिर वही है कि दुनिया और दीन को अलग करने वाली तालीम, जो दुनिया और दीन को अलग करके सोचा और देखा जा रहा है, मुझे लगता है कि तमाम दुनिया में, मैं आपके पास आऊँगा तो दुनिया के हवाले से, अभी तक हमारे हिंदुस्तान की बात करें, लेकिन तमाम दुनिया में, चलिए हम थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है कि हिंदुस्तान में डिस्क्रिमिनेशन होता है, या थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं किसी एक खास मुल्क में किसी एक खास जबान या किसी एक खास तबके के साथ या किसी खास कौम के साथ गैर जानबदाराना रवैया नहीं हो पाता और जानबदाराना रवैया होता है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तमाम दुनिया में मुसलमान तालीमी तौर पे पसमानदा है आज वो। जी मैं चाहता हूँ पहले आप डेटा दें, पहले आप डेटा। पहले मैं दूसरी भी बात कहना चाहूंगा। जी प्लीज। देखिए जो आपने कस्टमर वाली बात कही, हाँ, अगर हम देखें कस्टमर जब लफ्ज आता है ना तो लोग समझते हैं कस्टमर को बस कैसे भी हम जमा करेंगे, वो एक बड़ा रिलेशन बन जाएगा। इस्लाम ने तो कस्टमर को भी अच्छे से ट्रीट करने सिखाया है, कि कस्टमर को इतने बेहतरीन तौर पर ट्रीट करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलबाइयानी बिलखियार मालम यतफर्रका, बेचने और खरीदने वाले के पास इख्तियार होता है जब तक अलग ना हो। अगर दोनों एक दूसरे की खैर खाई करते हैं, अच्छा चाहते हैं, सच बोलते हैं तो उस तिजारत में भी बरकत होती है। तो तिजारत के अंदर हम देखते हैं कि मुस्लिम ताजरों के जरिए इस्लाम फैला है, क्योंकि इस्लाम ने कस्टमर को भी अच्छी तरह से ट्रीट करना सिखाया है। और हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं कि मुस्लिम्स का लिटरेसी रेट कंट्री से डाउन है, कंट्री का 74% है, मुस्लिम्स का अप्रॉक्सिमेट 67% समझा जाता है, 64% समझा जाता है कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक और कुछ और एस्टिमेट्स भी है, तो हम ये देखते हैं कि जब ये सिनेरियो है तो एक बात हमें सोचना होगा, कैसे हम प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं इन आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और इस तरह से बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आने चाहिए जो कस्टमर की तरह एक्चुअली देखेंगे लेकिन एक मोरालिटी के साथ, इस्लाम के बताए हुए मॉरल्स के साथ में, और वो मॉरल्स को ध्यान में जब रखें। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तब वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हमें उस प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। यहाँ ये हमारा मुल्क है ना, सरकारें हमारी दुश्मन है ना निजाम हमारा दुश्मन, काम भी लेकिन कमर्शियलाइजेशन होने चाहिए ताकि वो अपना ब्रेक इवन कर पाए, अपना बिल्कुल हर साल का बर्डन ना रहे उनके लिए, ताकि क्वालिटी को सस्टेन कर पाए, बेस्ट क्वालिटी टीचर्स को ला पाए, अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को बढ़ा पाए। तो इसलिए कि आपको अच्छे टीचर चाहिए तो अच्छी सैलरी आपको देनी होगी, अच्छी सैलरी देनी हो तो अच्छी फीस लेनी होगी, वो विशेष सर्कल है, नहीं तो आपके इदारे तो एक्सेलेंस ला ही नहीं पाओगे। जी, और कुछ ऐसे सपोर्टिव टाइप के रोल्स भी हो सकते हैं, लेकिन पूरा के पूरा वो नजरिया होना जरूरी नहीं एजुकेशन के अंदर, जैसे कि मुस्लिम पर्सपेक्टिव कुछ हद तक बन गया है। जैसा कि गुफ्तगू के शुरू में डॉक्टर साहब ने कहा था कि इस कौम में पोटेंशियल है, इसमें ट्रेनिंग की कमी, पोटेंशियल है और बहुत पोटेंशियल है, और यहाँ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाके आपने भी कहा स्पेसिफिकली आईटी डिपार्टमेंट में और दूसरे डिपार्टमेंट्स में बच्चे रिवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि मसाइल कहाँ हैं, परेशानी कहाँ है? क्या हमने ज़ाती तौर पर बहैसियत कौम ये मान लिया है कि इस मुल्क में हमारे साथ ज़्यादती होगी? क्या हमने ये मान लिया है कि हम कोशिशें नहीं करेंगे? क्या हमने ये मान लिया कि एक डॉक्टर साहब अंजुमन इस्लाम के नाम पे कोशिश कर रहे हैं बॉम्बे में, चलिए अच्छी बात समझ में आ गई, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कितने अंजुमन इस्लाम है? पूरे हिंदुस्तान में कितने अंजुमन इस्लाम है? हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, 125 करोड़ लोगों का मुल्क है, जिसमें एक बड़ी आबादी मुसलमानों की कही जाती है, तो इस इतनी बड़ी आबादी ने कहीं कुछ परसेप्शन अपने आप कायम तो नहीं कर लिया है?
और उनकी बुनियाद पे बैठ। अरे भाई आपकी सरकार है, आपकी दुश्मन नहीं, आपके वोट से बनती है और आपको मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आप इस इंतजार में क्यों बैठे हैं कि सरकार कोई जादू की छड़ी लेके आएगी, आपके ऊपर घुमाएगी और आपका सब कुछ बदल जाएगा। आपकी अपनी कोशिश है, ईमानदारी से मुहासबा कीजिए कि आपकी अपनी कितनी कोशिश है। जैसे अभी जैद भाई ने कहा, आप अपनी कितनी इंस्टीट्यूशन अंजुमन इस्लाम की तरह या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह, जैसे कि कस्टमर की बात निकल गई कि अगर एक तालिब इल्म और तालिब इल्म के पेरेंट्स कस्टमर हैं तो आप एक दुकानदार क्यों नहीं बनते हैं? दुकानदार कोई और है और कस्टमर कोई और है, ऐसा क्यों है? आप ही दुकानदार हो और आप ही कस्टमर हो, ऐसा क्यों नहीं होता? होना यही चाहिए कि आप ही दुकानदार हैं, आप ही कस्टमर हैं, तो यकीनन एक फिजा कायम होगी। और उसके लिए जब तक आप खुद कोशिश ना करेंगे तब तक सरकारें आपकी मदद कैसे करेंगी? आइए, नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की मदद जो है ना अवेलेबल है, अवेयरनेस नहीं है। हमारे पास जो एनजीओ है ना उनको पता ही नहीं है कि सीएसआर क्या है, उनको ये पता नहीं है कि नॉलेज स्किल डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स अवेलेबल पिछली हुकूमत और अभी हुकूमत भी कर रही है, तो इन चीज़ों को है ना हमने हासिल करना चाहिए। एक बात ये हुई। दूसरी बात, हमारे मैं रुख थोड़ा सा चर्चा का दूसरी तरफ है ना मोड़ना चाह रहा हूँ कि आपने असरी तालीम इदारों में दीनी तालीम के ताल्लुक से हमने बातचीत की, लेकिन दीनी मदारिस में असरी तालीम क्या गुंजाइश है, कितनी और देना चाहिए? सर मैं पहले ही बात बोल गया जी, आप लेकिन बात नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई। जो इन्होंने जिक्र किया तो जो इदारे ऑलरेडी चल रहे हैं, एस्टेब्लिश इदारे हैं, वो सर्कल के बाहर ऐसे बहुत जल्दी नहीं निकल सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी इसके बाहर है, तो जैसे मिसाल के तौर पर जो इस्लामिक स्कूल्स आज कंट्री भर में चल रहे हैं, या मिसाल के तौर पर जो दीनी मदारिस जो मदारिस चल रहे हैं, तो हमें चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पर कई बार हमारे सिलेबस में बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाला है, तो हम ये देखते हैं कि कैसे वो नॉलेज जो रियली बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। और इस टाइप का एक ख्वाब मैं बता रहा हूँ, लेकिन ख्वाब ये है कि एक ऐसे टाइप का एक इस्लामिक बोर्ड हो जो ये सारे के सारे फॉलो कर सकते हैं। जब इसकी प्रोमिनेंस और एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी ओनली ऑन मेरिट, जैसे मिसाल के तौर पर अगर वहां से निकलने वाला जो स्टूडेंट है वो इतना काबिल और बासलाहियत है, माशरे के लिए इतना बेनिफिशियल है, इतना कीमती है कि सब लोग उसके पीछे पड़ रहे हैं, उसकी क्वालिटी मानी हुई है, अगर ऐसा बन जाए पर्सपेक्टिव, वो हासिल हो जाए वो गोल जो इस्लाम सचमुच चाहता है, जो इस्लाम चाहता है कि परफेक्शन और एक्सीलेंस की तरफ लोग कदम आगे बढ़ाएं, तो वो हासिल हो जाए तो फिर सारे जो दूसरी जगहों पर भी पहुंचना बहुत कमाल की बात है। जाहिद भाई मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, आज से तकरीबन 15 साल पहले की मिसाल। हम लोग बात करते थे कि हमारे बच्चों को लोग इंग्लिश तालीम के लिए मिशनरी स्कूल्स में भेजते हैं, वहां पे जाकर क्या हाल होता है। मैं खुद एक वही स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, तो हम ये देखते हैं कि ये बात की जाती थी, एक भी इस्लामिक स्कूल नहीं थी, तो बात की जाती थी कि हमें अपने बच्चों को ऐसे इस्लामिक स्कूल्स होनी चाहिए जहाँ बचपन के इतने अहम साल में लोग इस्लामिक नॉलेज भी बढ़ाएं और असरी तालीम भी बढ़ाएं। लोग आगे पूछते थे कि कोई भी इस्लामिक स्कूल है क्या, तो हम लोग कहते थे नहीं है तो नहीं, लेकिन शुरू करने की एक जरूरत है। आज एक ऐसा सिनेरियो बॉम्बे में एटलीस्ट दिख रहा है कि हर चंद किलोमीटर में एक टाइप ऑफ इस्लामिक स्कूल, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो एग्जिस्टेंस आने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ चीजें होती है जो ख्वाब होती है जो सिर्फ बात करते हैं एक जमाने में, और हो सकता है आगे के जमाने में जाकर वो चीज दिखने भी लगे। बहुत अच्छी बात आपने की, और मैं इस हवाले से जोड़ना चाहूंगा बात को। आप सोच के देखिए कि जो ये इस्लाम, मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस्लामी मदारिस में जो ये एजुकेशन दी जा रही है और खेप तैयार की जा रही है वो कहाँ खपती है। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि वहाँ मदारिस से बच्चे निकलते हैं, या तो वो जो जितने मदरसों में खप गए वो खप गए, टीचर हो गए, लेकिन वो कितने हो सकते हैं? बाकी किसी मस्जिद में इमाम होते हैं, या किसी मस्जिद में मौजिन होते हैं, या किसी दुकान के बाहर लेके घड़ी साजी का काम कर रहे होते हैं, या कुछ और कर रहे होते हैं ऐसा काम, वो किसी काबिल नहीं रहते। जो उसके बाद ये होता है कि जिन जिन किसी के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वो फ़ोन करके डॉक्टर साहब से बोलते हैं कि हमारे इमाम साहब के बच्चों का एडमिशन करा दें। और लेकिन ये इनकी स्किल क्या थी इन बच्चों की? अब कमाल की बात है, मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ। इन बच्चों की स्किल ये थी कि एक स्टूडेंट जो किसी भी असरी तालीम के इदारे में पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो PCSJ की तैयारी करता है, जो ज़िंदगी में जज बनना चाहता है, उसका जो तालीमी निसाब है उसे देखिए, और किसी मदरसे में पढ़ाए जाने वाले फ़िक़ही निसाब को देखिए। आपको लगेगा कि ये फ़िक़ही निसाब वाला ज़्यादा शार्प है, इसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ रही है, तब मुफ्ती बनता है और तब फतवे देने का मजाज बनता है। जैसे वो जज बनने वाला है ऐसे ही है, मेहनतें दोनों की अलग हैं, नसाब अलग अलग नसाब पे मेहनतें हो रही हैं, उसके अंदर उतना पोटेंशियल मौजूद है, बैक वक्त मौजूद है, वो एक PCSJ क्वालिफाई करने की अहमियत और सलाहियत रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उसको वो सिस्टम ही नहीं दिया है, हमने उसे प्रोवाइड ही नहीं किया, हमने उसे एक ऐसी बेकार सी शय बना दिया कि तुम ये पूरी मेहनतें करो, ये निसाब पढ़ो, और उसके पढ़ने के बाद कभी कभी तुम्हारे पास कोई आएगा कि भैया जो है वो हाथ यहाँ बांधना जायज़ है कि यहाँ बांधना जायज़, हाथ खोलना जायज़ है। इसी ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मिनट टोक रहा हूँ, आपको बात कम्प्लीट कर दूँ। नाज़रीन, हम अपने आस पास मदरसों के मुंतज़िमीन से ये बात करें, उन्हें ये समझाएं और उन्हें ये कहें कि दीनी तालीम दुनियावी तालीम से अलग कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। अपने इस निज़ाम में जो तुम्हारे पास बच्चे हैं जिनमें पोटेंशियल है, उन्हें खुदा के वास्ते दीनी तालीम का वो हिस्सा भी मुहैया कराओ जिसे आज तुम दुनियावी तालीम कहते हो।
और कोशिश करो कि तुम्हारे यहाँ से जो खेप निकले वो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हो और आने वाले हिंदुस्तान का और आने वाले मुस्तकबिल का और अपनी कौम का एक ऐसी खेप तैयार हो जो मिसाली हो, जिसे लोग देखें, समझें और इस कौम की जो इमेज एक बनने लगी है, गैर तालीम याफ्ता कौम जो सबसे लेटेस्ट है, जिसके पास सबसे लेटेस्ट तालीम है, वो गैर तालीम याफ्ता कौम कहलाने लगी है। खुदा करे कि हम इससे दूर चले जाएँ। जी मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, मेडिकल मदरसे के बच्चे नहीं तैयार हो पाते, लेकिन जो बेसिक्स हैं हमारे, जैसे इल्म खताती है, इल्म उरूज है जी जी, और इनहेरिटेंस लॉ है, इसको ये इन्हें उनको सिखाने की जरूरत है। एक किस्से पर मैं बात खत्म करता हूँ। इन्होंने जिक्र किया था कि ये मुसलमान थे जिन्होंने वो बंद संदूकों में जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी की तालीम थी उसको यूरोप तक पहुंचाया। सर मैं आपको टोक रहा हूँ और इस हवाले से एक मैसेज देना चाहता हूँ एक ऑडियंस को भी, और जाहिर सी बात है आप लोग जानते होंगे एक बड़ा नाम तारीख का गुजरा, लियोनार्डो दा विंची, जिसने मोनालिसा की तस्वीर बनाई, और वो साइंटिस्ट भी था, बड़ा साइंटिस्ट था। कहा जाता है कि जिसने हेलीकॉप्टर का नाज़रीन पहला कागज़ पे स्केच बनाया, वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़े बड़े गिरजाघरों में तस्वीरें, मसीहियत की तस्वीरें पेंट किया करता था। आज भी उसकी पेंटिंग्स मौजूद हैं वो दीवारों पे, कुछ पुराने गिरजाघरों के। और उसको पोपे आज़म से किसी एक बात के लिए सज़ा मिली थी, और सज़ा ये थी कि उसे अपना वतन तर्क करके दूसरे किसी मुल्क में जाना पड़ा और वहाँ मिलिट्री की जॉब करनी पड़ी, जहाँ पर वो मिलिट्री के नए नए आलात ईजाद करता था। उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म ये था कि वो साइंसी तजुर्बात करता है और ये तो मुसलमानों का इल्म है। ये तारीख में बाकायदा लियोनार्डो दा विंची के मुतालिक अगर आप पढ़ेंगे तो ये मौजूद है। तो इसी ताल्लुक से मैं आपको इसीलिए आपकी बात की तारीख के लिए बताना चाह रहा हूँ कि जैसा इन्होंने जिक्र किया था कि 900 साल तक मुसलमानों ने अपने तालीम के जरिए से, अगर सनती इनकलाब यूरोप का जो है वो इन तालीमत का इन्हें नतीजा है, तो किसी यूरोपियन फिलोसोफर से पूछा गया कि इतना बहुत सारा कुछ मुसलमानों ने यूरोप को दिया, लेकिन आज इनका कोई नजर नहीं आता। जैसा अभी आप यहूदी कौम को लेंगे तो जितने नोबल प्राइजेज है 70% जो है वो यहूदी कौम के साइंसदानों को हासिल है। उस फिलासफर ने ये कहा कि मुसलमानों ने जितनी तालीम, रिसर्च पेपर, जो इन्हें 900 साल का असासा था, वो एक मजदूर की तरह अपने कांधे पर लाद कर यूरोप में दे दिया और खाली हाथ चले गए। सर वो भी है, इसी बात की तायद करूं, अभी एक बहुत अच्छी किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो यूट्यूब पे मौजूद है। वो उस डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक अगर आप जाएं जो इस्लामिक स्टडीज़ का सेंटर होता था एक ज़माने में बगदाद, और जहां वो तमाम का तमाम मसौदा मौजूद था, जो तजुर्बात होते थे किताबी शक्ल में आते थे वहां रखे जाते थे, तो वो बैक वक्त दो ज़बानों में महफूज किए जाते, एक अरबिक ज़बान और दूसरी ग्रीक, दो ज़बानों में महफूज किए जाते थे। फिर इत्तफाक़ ये हुआ, यही कहिए कि वक्त तारीख के उन लम्हा से गुजरा जिसे हम हलाकू खान का दौर कहते हैं, और हलाकू खान ने आके बर्बाद किया बगदाद को, और बगदाद के पूरे कुतुब खाने जला दिए और दरियाओं में बहा दिए, और वो सारा असासा लुट गया। लेकिन वो सेम, ये भी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ है। वो ग्रीक में मौजूद रहा। आज जो यूरोप के पास है, आज जो अमेरिका के पास है, वो मसौदे हैं जो ग्रीक में महफूज किए गए थे और आज भी उनके पास मौजूद है, उन पर नोबेल प्राइजेज मिल रहे हैं, उन पर तजुर्बे हो रहे हैं, नो डाउट उनकी बुनियाद पर तरक्की कर रहे हैं। लेकिन ये गरीब कौम जिसने ये ईजाद किए थे या जिसने ये महफूज किए थे, ये जहां की तहां है। ये भी दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से एक सजा है कि इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। और जब मुसलमानों ने अल्लाह के कलाम से दूरी अपना ली, इस्लाम से दूरी अपनाई, तो दुनियावी तौर पर भी उन्हें ये सब जिल्लत के स्टेजेस से गुजरना पड़ा, और ये जो स्टेज आज भी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूड कुछ हद तक चल रहा है। और सोल्यूशन क्या है? वही सोल्यूशन है जो पहले वर्कआउट हुआ। सोल्यूशन पर बात करेंगे। मैं जैद भाई चाहता हूँ कि आप जरा रोशनी डालें, हमने हिंदुस्तान पे तो बात की, आलमी सतह पर मुसलमान कितने तालीम याफ्ता हैं और मुसलमानों की तालीम का स्टेटस क्या है? मैं इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ वेबसाइट जो एंटी इस्लामिक वेबसाइट्स है लेकिन जनरल नाम रखती हैं, उसमें इस चीज के ताल्लुक से एक बहुत पैथेटिक पिक्चर पेंट किया गया। पैथेटिक पिक्चर इस तरह से पेंट किया गया, ये दावा किया जा रहा है और बहुत सारी वेबसाइट पे वो कंटेंट कॉपी पेस्ट करके मिल रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड में टोटल जो 57 कंट्रीज ऑफ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो OIC की 57 कंट्रीज है, उसमें वो कहते हैं कि टोटल मिलाकर 500 यूनिवर्सिटीज है। हालांकि बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ बांग्लादेश में 1200 यूनिवर्सिटीज है, हम देखते हैं कि सिर्फ इंडोनेशिया में 1200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, और कई सारी और भी यूनिवर्सिटीज है, बल्कि वर्ल्ड की जो टॉप 10 वो कंट्रीज देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, तो उसके अंदर ये दो मुस्लिम कंट्रीज भी फीचर होती है। दूसरा दावा यह किया जा रहा है कि मुस्लिम कंट्रीज में लिटरेसी रेट बहुत कम है। एक यूनेस्को की रिपोर्ट है जिसके अंदर सारी कंट्रीज, ये पूरी मेरे पास लिस्ट यहाँ मौजूद है,
हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में 178 कंट्रीज की लिटरेसी रेट जो दिए हुए हैं उसके अंदर आप पाएंगे कि कैसे मुस्लिम कंट्रीज जैसे कि कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब के अंदर लिटरेसी रेट 99% है, जो यूएसए यूके से ज्यादा है। और कई कंट्रीज हैं जैसे कुवैत, कतर, यूएई, पैलेस्टाइन, मलेशिया, इंडोनेशिया, दारुसलाम, ब्रुनाई, ये सारी की सारी कंट्रीज के लिटरेसी रेट्स अबव 90% है। और कई कंट्रीज जैसे सऊदी, बहरैन, ओमान, लिबिया, टर्की, ये सारी कंट्रीज के अंदर अबव 80% है। रेयरली कोई कंट्री मिलेगी जो बिलो 50% लिटरेसी रेट है इन द मुस्लिम वर्ल्ड, जो मुस्लिम कंट्रीज है। तो जो परसेप्शन बताया गया कि मुस्लिम सब बिल्कुल जाहिल हैं दुनिया में, ये परसेप्शन सचमुच सही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन ये मिक्स्ड बातें हैं। मिक्स्ड बातें हैं। सही बात तो ये है कि मुस्लिम अगर हम इस्लाम की टीचिंग्स पर आएंगे तो जो ये है और जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स है ये कुछ नहीं है। पर्सपेक्टिव्स और होराइजंस कोई इमेजिन नहीं कर सकता जहां तक पहुंच सकते हैं ईमान और ईमान के साथ में सही डायरेक्शन, अमल सॉलिह, ये दोनों की बुनियाद पर जहां तक पहुंच सकते हैं वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। right. तो एक और पैरामीटर मैंने चेक किया कि नंबर ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स जो कंट्रीज में है उसके अंदर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स की टॉप 10 कंट्रीज में से 3 मुस्लिम कंट्रीज है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और ईरान। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर मुस्लिम्स एजुकेशन में बिल्कुल भी गया गुजरा मामला नहीं है। सर्टेन चीजें हैं और सही तौर पर एजुकेशन का सही डेफिनेशन भी होना चाहिए। आपकी बात की मैं तायद करूंगा एजुकेशन और नॉलेज के हवाले से। अगेन मैं एक प्रैक्टिकल, क्योंकि वक्त बहुत कम है नाजीन और टॉपिक इतना वास्ट है कि इसके लिए 2-4 घंटे भी कम है, हम इख्तिताम के करीब हैं, लेकिन मैं आपकी बात की तायद में एक मिसाल दूंगा। हमेशा मैं सोचता हूँ यूएई में जाता हूँ या गल्फ कंट्रीज में जाता हूँ, देखता हूँ हमारे यहाँ का एक कारीगर यहाँ जो बहुत ख़राब काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मेसन, बहुत ख़राब टेढ़ी सी दीवार बनाता है, अच्छा सा प्लास्टर नहीं करता, वहाँ जाता है तो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड से मीट करता है और वो काम करता है, और काम लेने वाला उसके ऊपर एक अरबी बैठा है जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो नॉलेज और एजुकेशन का फर्क मैं बता रहा हूँ, वो वहाँ बहुत अच्छा काम करके वापस आता है, यहाँ के फिर वैसे करने लगता है। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अच्छा उसके अलावा आपकी बात के खिलाफ एक बात कहूँ मैं, मेरे कई दोस्त हैं ऐसे जिनका यूएई से ताल्लुक है और नॉर्मल एजुकेशन ली, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर जुबैर फारूक साहब, उनके माँ बाप ने चाहा कि वो उनको डॉक्टर बनाए, तो उन्होंने उनको डॉक्टर बनाने के लिए कहाँ भेजा, कैन यू बिलीव, पाकिस्तान। पाकिस्तान से वो डॉक्टर बन के आ गए, आज स्किन स्पेशलिस्ट हैं, दुबई में सर्व करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कयाम ने उन्हें शायर बना दिया, 35 शायरी की किताबें लिख चुका है वो आदमी, हिंदुस्तान में आके मुशायरे पढ़ता है, एजुकेशन भी है, अलग अलग ममालिक में जाना भी हो रहा है, और देखिए लिंग्विस्टिक का कितना बड़ा फायदा हो गया कि उर्दू अदब को अरबिक वर्ड से एक शायर मिल गया जिसने 35 शायरी की किताबें लिखी। बहरहाल नाज़रीन बहुत खूबसूरत डिस्कशन है, लेकिन वक्त की सुइयां अपनी रफ्तार से घूमती रहती हैं, ना किसी डिस्कशन, ना किसी पैनल, ना किसी पैनल की खूबसूरती का ख्याल करती हैं, और हमारा ये प्रोग्राम भी इख्तिताम की तरफ तकरीबन पहुंच गया है। मेरे पास आखिरी कमेंट लेने के लिए सिर्फ वक्त बचा है, मैं जैद भाई से शुरू करता हूँ। आखिरी एक कमेंट, ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मुस्लिम समाज को, खास तौर पे हिंदुस्तानी मुस्लिम समाज को और आमतौर पे दुनिया भर के मुस्लिम समाज को, ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं जो उनके तालीमी स्टेटस को बढ़ा सके और मुसलमानों में, खास तौर पे हिंदुस्तान के मुसलमानों में 100% तालीमी रेट पैदा कर सके? मेरा मैसेज ये है कि सब कुछ आसमान और जमीन का निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। हम जानते हैं कि बहुत सारी गफलतें हैं हमारी हुकूमतों की तरफ से भी, कुछ नेग्लिजेंस भी होती है, लेकिन बहुत सारा हमारा भी दोष होता है, और सही तौर पर आसमान और ज़मीन का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, और अल्लाह ने वादा किया है कि जो मेरे रास्ते में जद्दोजहद करेंगे मैं उन्हें अपने रास्तों की हिदायत दूंगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं हमारी ज़हनियत में भी है, और अगर हम सब इस चीज़ की अहमियत को पहचानें और ये फ़र्क करना बंद करें और सारे के सारा बेनिफिशियल नॉलेज हासिल करें, ऑफकोर्स इस्लामिक नॉलेज का भी हक अदा करना है, ये सबसे अहम नॉलेज, लेकिन बाकी नॉलेज भी हमें हासिल करना है, हम सबको सोल्यूशन का हिस्सा बनना होगा। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सफिशिएंट नहीं है, जो स्पीड में हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उतनी स्पीड में स्कूलें अवेलेबल नहीं हो रही है। आज भी जगह जगह की कहानी है कि जहां पे क्वालिटी एजुकेशन मिलती है वहां बहुत सारे बच्चों को वापस जाना पड़ता है कि उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया। क्या कर रहे हैं आप और मैं इस चीज में सोल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए, क्या कर सकते हैं हम? मैं कहता हूं कि छोटे तौर पर भी अगर कोई स्टार्ट हो तो अल्लाह की मदद से वो चीज आहिस्ता आहिस्ता ग्रो अप हो सकती है। और मैं सारे इस्लामिक स्कूल्स, इस्लामिक सेंटर्स, मसाजिद, इमाम मदारिस सबसे अपील करता हूँ कि दुनियावी और असरी तालीम की इम्पोर्टेंस भी अपने खुतबात वगैरह के जरिए लोगों को समझाना एक दीनी तौर पर फरीजा हमारे लिए है और हम सब के लिए जरूरी है कि हम करें। बल्कि मैं समझता हूँ हमारे मसाजिद का नेटवर्क खुद एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है, क्योंकि मस्जिदों में कई बार ऐसी अनयूटिलाइज स्पेस होती है जो जुमा जुमा इस्तेमाल होती है, अगर वो चीज़ को इस्तेमाल कर सके और ये तालीमात के लिए कुछ एक सिलेक्ट अवेलेबल फैसिलिटीज भी दी जा सके तो कितना ही अच्छा हो सकता है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है।
हम देखते हैं हमारी कितनी सारी वक्फ प्रॉपर्टीज जो वक्फ हो चुकी थी, लेकिन वो वक्फ की प्रॉपर्टीज हमारी निगलिजेंस और कहीं हमारा फॉलोअप कम होने की वजह से, हमारी तरफ से एक गफलत होने की वजह से हमारे हाथों से जाती रही और ये चीज एक नुकसान होता रहा। तो मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्ल के लिए हम सब क्या फैसिलिटीज अरेंज कर सकते हैं ताकि दीनी तालीम भी हासिल करें और दुनियावी तालीम भी बेहतरीन तौर पर एक्सलेंट लेवल की, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को बिल्कुल चिराग दिखाने वाला काम मुसलमानों को करना है। और हम सब अगर ईमान में सच्चे हैं तो हम सब के लिए जरूरी है कि हम इस बात को पहचान कर इस चीज में एक रोल अदा करने की कोशिश करें। जज़ाकअल्लाह खैर। मुनव्वर पीर भाई साहब, आपका मैसेज। वो जो बात हमारे बीच में हुई तालीम और नॉलेज के ताल्लुक से, तो जैसे काजी साहब ने कहा कि इंटरेक्टिव तालीम होनी चाहिए, वो स्मार्ट बोर्ड के जरिए से हो, कंप्यूटर के जरिए से हो, टैबलेट के जरिए से हो, और अमली तौर पर जैसा अगर किसी को जानना है कि एटीएम क्या होता है तो अगर बच्चों को एटीएम मशीन के पास लेकर जाके बताया जाए, या उनको सब्जियां क्या होती है तो मार्केट में ले जाकर और सब्जियां किस तरह से खरीदी जा सकती है उनसे प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें लेकर उनको इस तरह से अगर सिखाया जाए तो वो इंटरेक्टिव होगा, उसमें दिलचस्पी भी बढ़ेगी और इनको टेक्नोलॉजी से तालीम को जोड़ना बहुत ज़रूरी है और कंप्यूटर से जोड़ना बहुत ज़रूरी है, आईटी से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें बच्चों में तालीम हासिल करने के लिए दिलचस्पी भी पैदा करेगी और वो आगे अपना काम बड़ी खुशसलूबी से कर पाएंगे। इंटरेक्टिव निज़ाम नाज़रीन और टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा हम अपने बच्चों में आम कर सकें, पीर भाई साहब का मैसेज है, उतना ही ज़्यादा इस कौम के लिए बेहतर है। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका पैगाम। मेरा पैगाम ये रहेगा कि जो एहसास कमतरी हम में है उसको आप दूर फेंक दीजिए। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है। एक मैं दो मिसालें आपके सामने दूंगा। हमारा अंजुमन इस्लाम का साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों ने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और वो कॉम्पिटिशन ऐसी थी कि नुमाया लड़ाकू हवाई जहाज़ बनाया जाए और उसका डिज़ाइनिंग अमेरिका में कंपटीशन में सबमिट किया गया। पूरे वर्ल्ड में एशिया से 3 टीम शॉर्टलिस्ट हो गए, उसमें से अंजुमन इस्लाम साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे थे और उसका लीडर कौन था? मौलाना नूरी साहब का फर्जंद। और जब फाइनल राउंड में जब रिजल्ट्स आए तो एडवांस कैटेगरी के अंदर दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे कनाडा था, नंबर 2 पोजीशन में हिंदुस्तान अंजुमन इस्लाम साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज। और वो लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है, जो F-16 F-17 एयरक्राफ्ट बनाती है, उन्होंने वो सब रिसर्च अपने पास रखा। ये तीसरा साल है हम कंटिन्यूस अवार्ड जीत रहे, वो रिसर्च में जा रहा है। तो हमने वहाँ जाके साबित कर दिया मेड इन इंडिया क्या होता है, कि मुसलमान बच्चों को अगर आज सही मौका दिया जाए तो दे कैन परफॉर्म। तो हमको वो एहसास कमतरी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुबहाना ताला ने हमारे ईमान वाले बच्चों को बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। और एक मैं बात बताऊं आपको, जो हमारे मुनव्वर पीर भाई ने साहब ने कहा कंप्यूटर रिलेटेड, अभी गुज़िश्ता 15 रोज पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर एक निश सब्जेक्ट में ऑल महाराष्ट्र इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया वो सब्जेक्ट के अंदर, और 3,500 बच्चे उसमें शामिल हुए और 500 बच्चे फर्स्ट राउंड में आ गए। उसके बाद थर्ड राउंड में 40 बच्चे चुने गए और 40 बच्चों में 17 बच्चे अंजुमन इस्लाम कालसे करके थे और 2 साबू सिद्दीक के। और जब सेमीफाइनल राउंड हो गया तो 10 बच्चे थे, 10 में से 7 अंजुमन इस्लाम कालसेकर इंजीनियरिंग कॉलेज, 1 साबू सिद्दीक और 2 दूसरे पूरे महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी के थे। और फाइनल राउंड में साहब 3 बच्चे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पोजीशन में अंजुमन इस्लाम कालसेकर कॉलेज ने प्राइज ले गया और यूनिवर्सिटी ने जो कंप्यूटर का प्रोजेक्ट है पाइथन इन बच्चों को दे दिया। हमारे साबू सिद्दीक इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के इस साल पूरे 54 कॉलेज जितने हैं इंजीनियरिंग के, उसका नाम है नेहा नथानी, वो लड़की गोल्ड मेडल ले गई आईटी सब्जेक्ट में। तो हम किसी से कम नहीं। और ये भी मैसेज है कि जब भी अच्छे इदारे चलते हैं उनको ताउन दीजिए, अच्छे इदारों को ताउन दीजिए और इदारे चलाने वालों को भी ताउन दीजिए, ताकि हम तेज़ रफ्तार से आगे बढ़े। और आप लोगों से ये दरख्वास्त है मेरी, आपके बच्चों को वो तालीम देना चाहिए जो जिनको उस सब्जेक्ट में दिलचस्पी है। ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए। आजकल के बच्चे बहुत कुछ जान लेते हैं, टेक्नोलॉजी आई है, उनको समझ में आता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा फील्ड लेना चाहिए। तो मेरी ये दरख्वास्त है आप कि अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती मत कीजिए। और ना उम्मीदी मायूसी कुफ्र है,
हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं और बच्चों को हमने पढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त की रफ्तार बताने वाली घड़ी की सुइयां किसी का इंतज़ार नहीं करती, ना किसी पैनल का, ना किसी एक्सपर्ट का, ना किसी गुफ्तगू का और ना ही गुफ्तगू की दिलचस्पी का। लिहाजा हमें प्रोग्राम को इख्तिताम पज़ीर करना होगा। जिस दिल में अमल की शम्मा रोशन होती है, जिस दिल में अमल की शम्मा रोशन होती है, उस लब का तबस्सुम हीरा है, उस आँख का आंसू मोती है। नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम एक दूसरे से वादा करें कि हम अपने बच्चों को, हम अपनी आने वाली नस्लों को एक ऐसा मुआशरा देंगे जो तालीम से भरपूर मुआशरा होगा, एक ऐसा मुआशरा देंगे जहां कोई बहाना, कोई हेला नहीं चलेगा, जहां हमारा हर बच्चा पढ़ाई और लिखाई की अहमियत को समझता होगा, और हम एक ऐसे समाज में सांसें लेंगे जहां का हर फर्द, हर शख्स, हर बच्चा तालीम याफ्ता होगा। नाज़रीन, अब अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।